जिस पर अनाया कहती है, ओके डैड पर ये सब इतना टेस्टी है ना, मैं क्या ही बताओ आपको, आप खाएंगे? हर्षवर्धन जी कहते हैं, नहीं प्रिंसेस आप खाओ। अनाया स्नैक्स का मजा ले रही थी और हर्षवर्धन जी कॉफी पीते हुए अपनी लाडली बेटी को खुशी के साथ स्नैक्स एंजॉय करते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर बाद अनाया और उसके डैड स्टडी रूम में एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों के ही चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त बेहद ही सीरियस दिखाई दे रहे थे। अनाया के डैड उससे कुछ कहते उससे पहले ही अनाया उस रूम की शांति को बंद करते हुए अपने डैड से कहती है, डैड मुझे यहाँ पर नहीं रहना। उसने बस इतना ही कहा था कि हर्षवर्धन जी के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे। अब आगे अनाया के डैड उसकी तरफ देखकर कहते हैं, क्या हुआ प्रिंसेस, आप आज स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसके वजह से ऐसा कह रहे हो, तो आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत, जाती डैड सब संभल लेंगे। अपने डैड की बात सुनकर अनाया उनकी तरफ देखकर कहती है, नहीं डैड वो बात नहीं है डैड, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना क्योंकि डैड। इतना कहकर वो चुप हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने डैड को जैसे समझाए अनाया को। ऐसे बीच में चुप होने के कारण हर्षवर्धन जी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, क्योंकि क्या प्रिंसेस, आगे बोलो। अपनी डैड की तरफ देखकर अनाया उनको वो सब बताती है जो उसको मंदिर के बाहर महागुरु ने बताया था। अनाया ने उसके रिबॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, वो छुपाकर बाकी सारे बातें बताई थी, जिसे सुनकर एक पल के लिए तो हर्षवर्धन जी के चेहरे पर भी परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे जी अनाया ने उनको बताया था कि पूरे परिवार पर खतरा है और वो खतरा बेहद ही तेजी के साथ बढ़ रहा है, अगर उससे बचना है तो कुछ समय लिए ये से दूर जाना होगा। हर्षवर्धन जी ने भी ये बात महसूस की थी कि कोई है जो उन पर नजर रख रहा है, साथ में उनके ऊपर हुआ वो हमला। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनके कानों में अनाया की आवाज आती है जो कि उनसे कह रही थी, डैड मुझे लगता है कि हमको कुछ सालों के लिए यहाँ से जाना होगा, महागुरु ने कहा जाए तो कोई तो बात होगी ही न, और मैं अपने फैमिली को संकट में नहीं डाल सकती हूँ, और हम नहीं पता कौन हमारा दुश्मन है, को हमको हॉर्म करना चाहता है, और उसी के साथ कौन अपना है और कौन अपने के वेश में ही हमारा दुश्मन, तो कुछ होने से पहले ही हम ये से दूर चले जाते हैं, आप क्या के हो डैड। इतना कहकर अनाया अपने डैड के तरफ देखने लगी। हर्षवर्धन जी कुछ सोचकर अपनी प्रिंसेस की तरफ देखते कर कहते है, ठीक है बेटा, हम पहले सारा बिजनेस दूसरी जगह पर सेट करने की तैयारी करते हैं, 3 दिन में हम सब यहाँ से चले जाएंगे। अनाया अपने डैड की तरफ देखकर कहती है, ठीक है डैड, पर डैड ये बात सिर्फ आप और आपके वफादार आदमियों को ही बताना, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन तक हमारी इंडिया छोड़ने की खबर पहुंच जाए। उसकी बात पर अनाया के डैड उसके सर पर हाथ रखकर उससे कहते हैं, प्रिंसेस आप बिल्कुल भी चिंता मत कर डैड, सब संभल लेंगे, चलो अब हम नीचे चलते, घर वालों को भी बताना है ना। जिस पर अनाया अपना सर हिलाती है, वो कहती है, डैड डिनर के बाद दादू के स्टडी रूम में सबको बुलाना, वो भी सीक्रेट तरीके से, मुझे लगता है कोई घर में भी हम और नजर रखा हुआ है। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन जी के चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं। उनको पता था अगर उनकी प्रिंसेस कुछ कह रही है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना, वैसे भी उनको उसके बारे में बेहद कुछ पता था, उनकी बेटी कोई मामूली लड़की नहीं थी। वो उसकी बात पर अपना सर हिलाते हैं और फिर दोनों बाप बेटी नीचे लिविंग रूम की तरफ चले जाते हैं, जहां पर घर के सभी मेंबर बैठे थे। नीचे अयान भी बैठा था जो कि अभी अभी ही ऑफिस आया था। जब सबका ध्यान उन दोनों पर जाता है तो सब उन दोनों को ही देखते रह जाते हैं। अनाया और उसके डैड किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। नीचे लिविंग रूम के सोफे पे बैठे दादी और दादू अपने बेटे को कितने सालों बाद ऐसे दिल से मुस्कुराते हुए देखकर खुश हो गए थे, उनकी आंखें नम हो गई थी। देवराज मित्तल भी आज अपने छोटे भाई को खुश देखकर खुश थे। सबको इमोशनल होता देख लव कुश एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वो दोनों भी आज खुश थे। लव लिविंग हॉल के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है और अपने मॉम डैड और दादू और दादी की तरफ देखकर कहता है, वो फो आप लोग भी न जब दुखी हो तब आंखों में आंसू समझ आते हैं, पर अब जब खुशी की बात है तब भी आप लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब वो बेहद ही नाटकीय रूप में कह रहा था, जिसे देखकर उन चारों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
दादू उससे कहते हैं, चुप कर तू, तुमको न रुको तुम, मैं बताता हूँ। उतना कहकर वो अपनी छड़ी से उसे मारने जी वाले थे कि लव जल्दी से हर्षवर्धन जी के पीछे जाके छुप जाता है, जो कि अभी अभी वहां पर अनाया के साथ आ गए थे। दादाजी लव को हर्षवर्धन जी के पीछे छुपता देख अपनी छड़ी फिर से अपने जगह पर रख देते हैं। हर्षवर्धन जी सबकी तरफ देखकर कहते हैं, क्या हुआ? जिस पर दादाजी कहते हैं, कुछ नहीं, तुम लोगों बैठो, लव अब तुम भी अपने जगह पर बैठो। जिस पर लव भी अपने चेहरे पर लंबी मुस्कान लेके कुश के बगल में बैठ जाता है। दादी अपनी नजर अनाया और हर्षवर्धन की तरफ करके अपनी आंखें छोटी करके उनसे कहती है, प्रिंसेस आप हमसे कुछ छुपा रही हो क्या? अनाया अपनी दादी की बात सुनकर उनकी तरफ असमंजस से देखती है और कहती है, नहीं तो दादी मैं आपसे क्या छुपाऊंगी, वैसे मुझे आपको कुछ बताना है, वैसे आपको ही नहीं बल्कि सबको, और अभी नहीं मैं दिन के बाद बताऊंगी उसी के बारे में, डैड और मैं बात कर रहे थे। अनाया की बात सुनकर सबको जानने की उत्सुकता हो रही थी, प्रिंसेस उनको क्या बताने वाली है। सब एक बारी दूसरे को देखते हैं और फिर अनाया और हर्षवर्धन की तरफ, दादी और दादाजी हर्षवर्धन की तरफ अपनी आशाबारी नजर से देखते हैं, जैसे वो उनको बता दे। उनको सस्पेंस हजम जी नहीं हो रहा था। उनको ऐसा देखकर अनाया अपना सर ना मैं हिलाती है। यही हाल बड़ी मॉम और बड़े पापा का भी था। उनको भी जानना था प्रिंसेस आखिर उनकी ऐसा क्या बताने वाली है। हर्षवर्धन जी अपने भाई भाभी और अपने डैड और मॉम की तरफ देखकर कहते हैं, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। थोड़ी देर तक सब ऐसे ही बातें करते हैं, उसके बाद सब डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं। तभी हर एक फैमिली मेंबर के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर सब जल्दी से कंफर्टेबल नाइट सूट पहनकर एक एक करके दादा जी के स्टडी रूम नई एंटर करते हैं। दूरी तरफ नंदिनी ने अपनी सारी तैयारी कर ली थी। वो किसी भी वक्त मित्तल मेंशन में कदम रखे के लिए रेडी थी। नंदिनी, उसका बेटा और पति ब्लू स्टार क्लब के एक आलीशान प्राइवेट रूम में बैठे थे। वो तीनों ही शराब पी रहे थे कि तभी उस रूम में एक काले कपड़े पहना हुआ आदमी एंटर करता है, जिसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपना चेहरा मास्क से पूछ छुपाया था। वो आदमी दिखने में बेहद मिस्टीरियस नजर आ रहा था। उसके कमरे में एंटर करते ही तीनों अपनी सीट से उठकर उसका वेलकम करते हैं। उसके बैठने पर तीनों भी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। नंदिनी उस आदमी की तरफ एक शराब ग्लास बढ़ा देती है, जिसे वो आदमी उठाकर अपने मुंह से लगा लेता है। वो शराब का एक घुट पीकर अपने सामने बैठे तीनों एक नजर देखकर अपनी बात कहता स्टॉप करता है, नंदिनी तुम इतनी कैसे इर्रिस्पॉन्सिबल हो सकती हो? उसके बाद वो नंदिनी के हस्बैंड यानी कि मिस्टर विनय मुखर्जी की तरफ देखकर कहता, जिया तुम भी विनय, मुझे तुम लोगों से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उस आदमी की बात सुनकर तीनों ही शोक और हैरान दोनों ही हो जाते हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनसे कौन सी गलती हो गई, जो अपने सामने बैठा आदमी उनसे इस तरह से बात कर रहा है। नंदिनी और विनय का बेटा आकाश उस आदमी की बात सुनकर उससे कहता है, अंकल क्या हुआ को आप ऐसा कह रहे हो, साफ साफ बताओ ना। उसकी बात सुनकर वो अनजान आदमी उन तीनों से कुछ ऐसा कहता है और उनको कुछ दिखता है, जिस देखकर उन तीनों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। ब्लू स्टार क्लब के एक प्राइवेट रूम में नंदिनी, उसका पति विनय और उसका बेटा अपने चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लिए अपने सामने बैठे आदमी को देख रहे थे। नंदिनी जल्दी से अपने होश में आके अपने सामने बैठे आदमी से कहती है, ये क्या बोल रहा है जॉन, तुम ऐसा कैसे हो सकता है? इतना कहकर नंदिनी अपने बालों के पीछे हाथ लगाकर वहां पर इंसर्ट की हुई छोटा सा चिट्टी के जैसा गैजेट निकलती है, जिसे देखकर नंदिनी के साथ ही विनय और आकाश के चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं। वो भी अपने बालों के पीछे हाथ लगाते हैं तो उनके हाथ में भी नंदिनी के हाथ में जो गैजेट था वो वैसा ही गैजेट होता है। वो तीनों ही अपने हाथ में मौजूद वो चिट्टी की आकर जितना गैजेट अपने सामने मौजूद टेबल पर रख देते हैं। वो तीनों एक बार उस गैजेट को और फिर अपने सामने बैठे जॉन की तरफ अपनी सवाल भरी नजर से देखते हैं, जिसे देखकर जॉन उन तीनों पर अपनी नजरें गड़ाए उनसे कहता है, क्या हुआ? हैरान हो होना भी चाहिए, पर मुझे तुम लोगों से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम लोगों के बॉडी पर कोई भी एक छोटा सा गैजेट इंसर्ट कर देगा और तुम लोगों को उस बारे में पता भी नहीं चलता। तुम
तीनों को अंदाजा भी ही तुम लोगों ने अब तक जिससे भी जो भी बात की है या को भी तुम लोगों के कॉन्टेक्ट में अब तक आया है उस बारे में उस इंसान का पता चल चुका है जिसने ये गैजेट तुम तीनों पर फिट किया है। ये तो अच्छा हुआ मुझे इस बारे में पता चला जब तुम लोग मेरे इस क्लब में एंटर लिए तभी तुम लोगों की बॉडी को मैंने स्कैन किया था तब मुझे तुम्हारी बॉडी में ये गैजेट इंसर्ट है इस बारे में पता चल गया। उसके बाद मैंने तुरंत इसको डीएक्टिवेट किया है। अब तुम्हारे सामने जो है ये एक यूजलेस प्रोजेक्ट है और शायद जिसने भी इसको तुम लोगों के बॉडी में इंसर्ट किया है उसको इस बारे में पता चल चुका है कि उनका गैजेट पकड़ा गया है और शायद उनको इस बात से कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि उनको जो चाहिए वो अब तक मिल ही चुका होगा। इतना कहकर जॉन अपने सामने बैठे तीन लोगों को अपनी टकटकी लगाए देखता है जिसे देखकर वो तीनों अंदर तक काफ जाते हैं। उनको अच्छे से पता था कि जॉन कौन है उसको वो किसी भी प्रकार नाराज नहीं कर सकते थे। महेश मेहरा के बाद उनका बॉस जॉन ही था। वो लोग डायरेक्टली महेश मेहरा से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते थे। उससे कॉन्टेक्ट करने के लिए उनको पहले जॉन से बात करनी होती थी उसके बाद जी उनकी बात महेश मेहर तक पहुंच जाती थी। वो तीनों ही अपना सिर झुकाकर जॉन के आगे बैठे थे। अब वो कर भी क्या सकते थे गलती तो उनकी ही थी। उन तीनों को ही पिछले एक हफ्ते से अपने सर के पीछे दर्द हो रहा था पर उन लोगों ने उसको नजरअंदाज कर दिया था। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जॉन उनकी तरफ देखकर कहता है मुझे जितना पता है ये तुम लोगों को के बॉडी में ये को तुम्हारे सामने छोटा सा चिटी के जैसा गैजेट है वो तुम लोगों को करीबन एक हफ्ते पहले इंजेक्ट किया है फिर भी तुम लोगों ने इस हफ्ते में जिससे भी कॉन्टेक्ट किया है उन सबको अंडर कवर होने को कहो और कुछ दिन के लिए तुम सब भी उस मित्तल परिवार से और इंडस्ट्री से दूर ही रहो। आगे क्या करना है मैं तुम लोगों जल्द ही इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए जितना कहा है उतना करो ज्यादा होशियारी करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर जॉन अपने सामने के टेबल पर रखे हुए वो तीन छोटे से गैजेट लेके उस रूम से चले जाता है। मित्तल मैंशन। इस वक्त रात के 12 बजे मित्तल परिवार के सभी मेंबर दादाजी के स्टडी रूम में मौजूद थे और सबकी नजर स्टडी रूम की गेट पर थी। वो अनाया और हर्षवर्धन जी का आने का वेट कर रहे थे। थोड़ी ही देर में उनका इंतजार खत्म हो जाता है। अनाया और उसके डैड स्टडी रूम में एंटर करते हैं। वो दोनों ही आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अनाया एक बार अपने परिवार की तरफ देखती है उसके बाद वो अपने दादू की तरफ देखकर कहती है दादी आज मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे देंगे। उसके इस सवाल पर सब उसने तरफ देखते हैं। दादू उसकी तरफ देखकर कहते हैं प्रिंसेस जो सब हमारे पास है वो तुम्हारा ही तो है और तुमको कब से कुछ मांगने की जरूरत पड़ी है तुम तो बस हुक्म करो। जिस पर अनाया अपने चेहरे पर बड़ी स्माइल लेकर अपने दादू की तरफ देखकर कहती है तो ठीक है दादू तो हम सब अभी कुछ देर बाद मतलब ठीक 3 घंटे बाद यानी कि 3 बजे अमेरिका जा रहे हैं वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इस बीच हम इंडिया में जो भी हमारे रिश्तेदार हैं उनसे कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। उसकी बात पर सब शोक हो जाते हैं और उसकी तरफ ही देख रहे थे। खुद दादू भी वो अनाया से कहते हैं ये आप क्या कह रही हो प्रिंसेस। जिस पर अनाया कहती है दादू अभी कुछ भी मत पूछो मैं आपको हम ये से क्या जा रहे हो उसके बारे में ज्यादा तो बता नहीं पाऊंगी पर इतना जरूर बता सकती हूँ हमारा पूरा परिवार खतरे में है इसलिए हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं क्योंकि असली दुश्मन कौन है ये अब तक पता नहीं चला है। उसकी बात सुनकर दादू कहते हैं ठीक है बेटा जैसा तुम कहो हमको तुम पर पूरा विश्वास है। इतना कहकर दादू वहाँ मौजूद सबकी तरफ देख कर कहते हैं हम सब 3 घंटे बाद निकल रहे हैं तो जाओ पैकिंग करो पर एक बात का ख्याल रखना ये बात किसी को भी न पता चले। दादू घर के मुखिया थे सब डिसीजन वो ही लेते थे कोई भी उनके आदेश के खिलाफ नहीं जाता था। दादू ने अभी उनको जो कहा था उसके बाद सब बिना कोई सवाल के अपने अपने कमरे में पैकिंग करने के लिए चले गए क्योंकि अभी कुछ पूछने का कोई भी फायदा नहीं था और वो सब अनाया के बारे में ज्यादा तो नहीं पर इतना तो जानते थे कि वो को सामने से दिखती थी वैसी नहीं थी उसकी कुछ अलग ही पहचान थी इसलिए सबको उस पर पूरा विश्वास था। सब स्टडी रूम से बिना कोई सवाल किए अपनी पैकिंग करने के लिए चले जाते हैं। उस स्टडी रूम में सिर्फ हर्षवर्धन मित्तल और अनाया ही थे। हर्षवर्धन जी जो कब से शांत बैठे थे वो सबके जाने के बाद अनाया से
कहते हैं प्रिंसेस हम तो 3 दिन बाद जाने वाले थे ना, तो अभी क्यों? जिस पर अनाया उनसे कहती है डैड अभी ही जाना पड़ेगा क्योंकि कल दुश्मन कुछ बड़ा करने के ताक में है। डैड मैं बस इतना ही बता सकती हूँ और कुछ ना पूछो। हर्षवर्धन जी उसकी बात अच्छे से समझ गए थे। अनाया कुछ ऐसा जानती थी जो जानना उनके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए वो उनको नहीं बता रही है। वो आगे कुछ नहीं कहते और अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर उसको पैकिंग करने को कहकर खुद अपने रूम में जाके अपनी पैकिंग करने लगते हैं। अनाया ने पहले ही अपना जरूरी सामान पैक कर दिया था। वो अपने रूम में जाके मायरा को फोन कर कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। उसके बाद वो अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती है। वो उस लैपटॉप में कुछ करने लगती है। इस वक्त उसकी उंगलियां तेजी के साथ लैपटॉप के स्क्रीन पर चल रही थी। उसको किसी भी चीज का होश ही नहीं था, उसका पूरा ध्यान अपने लैपटॉप पर ही था। उसको इस बात का भी पता नहीं चल कोई उसके रूम में आया है और वो इस वक्त उसके ठीक पीछे खड़ा होकर वो क्या कर रही है वो देख रहा था। जब अनाया के पीछे खड़े इंसान को अनाया लैपटॉप पर क्या कर रही है ये अच्छे से नहीं दिखता तो वो थोड़ा अनाया और झुक जाता है, जिससे उसकी गर्म सांस अनाया को अपने गर्दन पर महसूस होती है। तब जाके अनाया को ये पता चलता है कोई उसके रूम में है उसके अलावा, और वो अभी उसके पीछे खड़े होकर वो क्या कर रही है वो देख रहा है। जिसे समझकर अनाया अपना सर गुनाकर पीछे देखती है तो उसकी आंखें अयान की आंखों से जा मिलती है। हाँ, अयान ही था जो कि अनाया से मिलने उसके रूम में आ गया था। उसको अभी कुछ समय पहले अनाया कुछ परेशान लागू थी जिसका कारण वो ये पर आया था, पर उसको अनाया अपने लैपटॉप में कुछ करते हुई दिखी जिसको उसके आने के बारे में भी पता नहीं चला था। तो वो उसके पीछे जाके वो क्या कर रही है वो देखने को कोशिश कर रहा था। ऐसे अचानक अनाया के पीछे मुड़ने से अयान जो उसकी तरफ झुका था, दोनों का चेहरा बेहद पास आ गया था। अनाया तो अयान की खूबसूरत नीली आंखें में खो गई थी। अयान की थी ही इतनी गहरी कि कोई भी उसमें डूब जाए। उन दोनों के होठों में बस कुछ हो दूरी थी। अगर उन दोनों में से कोई जरा सा भी हिलाता तो दोनों के ही होंठ एक दूसरे को टच हो जाते। अयान और अनाया दोनों ही एक दूसरे के आंखों में डूब गए थे। कब दोनों के होठ आपस में मिल गए इस बात का उन दोनों को ही पता नहीं चला। अयान एक छोटी सी किस करके उसके होठों से दूर होकर अनाया के पास जाके सोफे पर बैठ जाता है। वो उसके हाथ से लैपटॉप लेके संबे की टेबल पर रखकर अनाया को एक झटके में अपनी गोद में बिठा के उसके सर के पीछे अपना एक हाथ ले जाकर उसको उसके चेहरे को अपने चेहरे के पास ले जाके उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसको किस करने लगता है। अनाया को पता ही नहीं चला कि जब अयान उसके पास आके बैठ गया और जब उसको गोद में बिठा लिया और अब उसको किस कर रहा है। जब अयान देखता है कि अनाया उसका साथ नहीं दे रही, उसका ध्यान कहीं और ही है, तो वो अयान के होठों पर बाइट कर लेता है, जिससे अयाना की हल्की चीख निकल जाती है। वो अयान की तरफ घूरकर देखती है तो अयान उसका चेहरा अपने हाथों में लेके कहता है, बेबी फोकस ऑन किस, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। इतना कहकर अयान फिर से अपने होठों से अयाना के होठों को लॉक करके उसको किस करने लगता है। इस बार अनाया भी उसका साथ देने लगती है, जिससे छोटी सी किस पैशनेट किस में बदल जाती है। अयान अनाया के होठों को खोलकर उसके मुंह के अंदर एंटर करके उसके मुंह को एक्सप्लोर करे लगता है, जिसमें अनाया भी बखूबी उसका साथ दे रही थी। उनकी ये पैशनेट किस पूरे 2 मिनट तक चली। जब अनाया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो न चाहते हुए भी अयान उसके होठों से अलग हो गया और उसको हग करके उसकी सांस नॉर्मल करने की कोशिश करने लगता है। खुद भी अपनी बढ़ती हुई सांस कंट्रोल करता है। थोड़ी देर बाद दोनों वो सोफे पर बैठे थे और उनके आगे टेबल पर अनाया का लैपटॉप था, जिस पर थोड़ी देर पहले अनाया कुछ कर रही थी। अयान उसका लैपटॉप लेके अभी थोड़ी देर पहले अनाया जो काम कर रही थी उसको कंप्लीट करने लगता है। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से लैपटॉप पर चल रही थी कि अनाया को अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो अयान की उंगलियों को के स्पीड से अपना ध्यान हटाकर लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखती है, जिसमें कुछ कोड दिखाई दे रहे थे जो कि हर सेकंड में चेंज हो रहे थे। अयान ने बस कुछ ही मिनट में अनाया जो काम कर रही थी वो कंप्लीट कर दिया, जिसे देखकर अनाया खुशी के मारे अयान की गोद में बैठकर उसके गाल पर किस की बारिश करके उसकी तारीफ किया जा रही थी, और अयान बस शांति से बैठकर उसका पागलपन देख रहा था। साथ में उसके चेहरे पर कभी न दिखने वाली एक छोटी सी स्माइल थी।
थोड़ी देर दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर है, तभी अनाया को ध्यान आता है कि उनको आज निकलना भी है, तो वो अयान को पैकिंग करने को भेजक कर खुद अपने रूम से निकल कर सबकी पैकिंग हुई है क्या वो देखने लगती है। अनाया जब देखती है सबकी पैकिंग ऑलमोस्ट हो ही गई है और उनका प्राइवेट जेट भी रेडी है, तो वो सबको मित्तल मेंशन के टेरिस पर लेके जाती है, जहां पर इस वक्त 5 चोपर खड़े थे। अनाया और उसकी पूरी फैमिली उन चोपर में बैठ जाती है और कुछ ही मिनट में वो सारे चोपर एक आवाज के साथ मित्तल मेंशन से निकलकर सीधा एयरपोर्ट पर बने हेलीपैड पर जाके उतरते हैं, जिसके कुछ ही दूरी पर उन लोगों का प्राइवेट जेट रेडी था। मित्तल परिवार के वहां पर आते ही बेहद सारे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए गार्ड उनको चारों तरफ से कवर कर के उनके प्राइवेट जेट तक लेके जाते हैं। उसी के साथ उनका सामान भी जेट में शिफ्ट किया जा चुका था। सब अपने अपने सीट पर बैठे थे। जेट के टेक ऑफ का टाइम भी हुआ था, पर अनाया किसी के आने का इंतजार कर रही थी, पर उन लोगों का अब तक कोई पता ही नहीं था। तभी अनाया को किसका फोन आता है, दूसरी साइड से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर अनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो अपने गार्ड के हेड को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहां से चली जाती है। वो एयरपोर्ट से निकलकर कुछ ही दूरी पर आती होगी कि मित्तल फैमिली जिस जेट में थी उसने टेक ऑफ कर लिया था, पर अंदर बैठे किसी को भी नहीं पता था कि अनाया इस वक्त उनके साथ जेट में नहीं है। अनाया एक ब्लैक मर्सिडीज में बैठकर तेजी से कहीं जा रही थी। उसी के कार के आगे 3 और पीछे 3 बॉडीगार्ड की कार चल रही थी। इस वक्त अनाया के चेहरे पर परेशानी आसानी से देखी जा सकती थी। वो लगती अपने ड्राइवर को तेजी से कार चलाने को कह रही थी। थोड़े ही समय उसकी कार एक जंगल में एंटर करती है। वो उस जंगल के बीचों बीच आकर उसकी कार एक जगह पर रुक जाती है। कार रुकने के कारण वो अपना अपना सर बाहर निकलकर देखती है, तो उसको अपने चारों ओर जंगल ही नजर आता है, जिसे देखकर वो अपने पर्सनल गार्ड जो कि अभी ड्राइवर सीट के पास वाली सीट पर बैठा था उससे पूछती है, हम ये पर क्या रुके हैं, क्या हुआ? जिस पर वो बॉडीगार्ड उससे कहता है, मैम उन लोगों की लास्ट लोकेशन ये की ही है, इसके बाद उनकी लोकेशन ही नहीं दिखाई दे रही है। जिसे सुनकर अनाया कार का गेट खोलकर बाहर निकलती, उसके साथ ही उसके बॉडीगार्ड भी अपने हाथ में गन लिए बाहर निकलकर उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। अनाया उनसे कहती है, लास्ट लोकेशन यहाँ की है, इसका मतलब वो यही कहीं आसपास ही होगी, तो हमें एजा उनको जल्दी से ढूंढना है। तो हम 4 ग्रुप में डिवाइड होते हैं और जिसको भी उनके बारे में पता चल जाएगा वो बाकी सबको बताएगा। इतना कहकर अनाया 4 ग्रुप बना के सबको अलग डायरेक्शन में भेजकर खुद अपने साथ 5 बॉडीगार्ड को लेके डायरेक्शन की तरफ चली जाती है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ था, साथ में उसका पूरा आउटफिट ही ब्लैक कलर का था। सिर पर बैक कैप पहनी हुई थी, जिससे ये जानना मुश्किल था कि वो लड़की है या लड़का। इस वक्त उसके आसपास का ओरा भी बेहद खतरनाक था। अनाया अपने साथ 5 बॉडीगार्ड लेके अपने खतरनाक ओरे के साथ उस गहने जा जंगल के अंदर एंटर करती है। वो सब आगे आगे किसी को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन सबको अपने सामने एक खंड दिखने लगता है, जिसे देखकर अनाया सबको अलर्ट कर देती है। उसी के साथ अपने एक गार्ड को बाकी के गार्ड को ये पर बुलाने को कहती है। उसके बाद वो सब धीरे धीरे उस खंड के पास पहुंच जाते हैं। वो खंड बाहर से दिखने में आम खंड जैसा ही लगता था। जब वो लोग अंदर और उसके इर्द गिर्द कोई रास्ता खोजने लगते हैं, तो उनकी वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर अनाया इस वक्त उस खंड के अंदर जो 3 दीवार थी उनके ही सामने खड़ी होकर एक टक उन तीनों दीवारों को घूर रही थी। उसने उन तीनों दीवारों के आसपास सब चेक कर लिया था, पर उसको वहां पर कुछ भी क्लू नहीं मिला था। इसलिए वो अपने साथियों के साथ वहां से जाने ही वाली थी कि उसको कोई बुला रहा है, ऐसा ये एहसास होता है। ये ठीक उसने जो सपना देखा था वैसा ही लग रहा था। अनाया ध्यान से उसने जो सोना देखा था वो याद करने लगती है। जब उसको कन्फर्म होता है कि यही वो जाग है जहां पर उसके सपनों में जो उसकी की उम्र का लड़का आता था और उसको हेल्प के लिए बुलाता था। अनाया जल्दी से उन तीनों दीवारों में से बीच वाली दीवार के पास जाके उसमें हाथ लगाकर कुछ चेक करने की कोशिश करने लगती है, पर उसको उससे कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर इस दीवार के पीछे अगर डोर है तो फिर उसकी की कहां पर है।
थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वो अपने एक गार्ड को बुलाकर इस दीवार के चार कोनों में छोटा सा बॉम्ब फिट करने को कहती है, जिससे बस इस दीवार टूट जाए, बाकी इस खंडर को कुछ भी न हो। एंड ये उस गार्ड के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि उसने अपने ट्रेनिंग में बेहद सारे ऐसे बॉम्ब बनाने सीखे थे जो कि सिर्फ उसी चीज को खत्म करे जिन पर उनको प्लांट किया था। वो गार्ड भी अपने साथ लाए हुए 4 हाईटेक टेक्नोलॉजी से बने हुए बॉम्ब, जो कि एक गैजेट के जैसे दिखाई दे रहे थे, उनको उस दीवार के चार कोनों में लगा के अपने हाथ में मौजूद रिमोट का एक बटन दबाने से पहले सबको उस दीवार से दूर खड़े होने को कहकर रिमोट का बटन प्रेस कर देता है, जिससे सिर्फ वो दीवार ही टूटकर नीचे गिर जाती है और सामने एक डोर दिखाई देता है, जिसमें कुछ सिक्योरिटी कोड इंसर्ट करने के बाद ही वो ओपन होता था। और ये काम अनया के लिए बेहद ही आसान काम था, वो दुनिया के किसी भी लॉक को चुटकियों में खोल सकती थी। अभी भी उसने कुछ ही सेकंड में वो लॉक अनलॉक किया और वो सब एक रूम में एंटर हुए जहां पर गाना अंडर था, पर उस रूम में किसी के भी होने के कोई भी निशान नहीं थे। इस वक्त उस रूम में एंटर करते ही अनया और उसके गार्ड ने नाइट व्यू वाला गॉगल पहने लिया था, जिससे अंदर मैं भी उनको अपने सामने क्या क्या है ये आसानी से दिखाई दे रहा था। अनया ने सबको सावधानी से उस रूम के हर एक कोने को चेक करने को कहा और वो खुद भी उस रूम को अपने नजरों से स्कैन करने लगी थी। तभी उसकी नजर उस रूम में मौजूद एक मामी से फ्लावर पॉट पर गई, जो कि बस दिखने से मामूली नजर आता था, पर असल में कुछ और ही था। अनया उसके पास जाके उसको अच्छे से चेक करती है, पर उसको वो एक मामूली ही फ्लावर पॉट लगता है। वो उस फ्लावर पॉट से दूर जाने ही वाली थी कि गलती से उसका धक्का उस फ्लावर पॉट को लगा और वो फ्लावर पॉट अपने जगह से थोड़ा सा हिल गया, जिससे एक तेज आवाज के साथ एक डोर ओपन हुआ। आवाज के साथ सभी गार्ड का ध्यान उस तरफ चला गया। अनया तो जैसे वो डोर खुला वैसे तेजी से दौड़कर उसके अंदर एंटर करती है, क्योंकि उसको बेहद बेचैनी हो रही थी, जैसे उसका कोई अपना मुसीबत में है। जैसे ही वो उस रूम में एंटर करती है तो अपने सामने का नजारा देखकर शॉक हो जाती है। उसी के पीछे उसके बॉडीगार्ड भी अंदर आते हैं और अंदर का नजारा देखकर वो भी अपने जगह पर जम गए थे। जान उनका ध्यान अपनी बॉस पर जाता है तो वो लोग एक पल के लिए डर से काफ ही जाते हैं, पर अगले ही पल वो खुद को संभाल कर अपनी जगह पर शांत खड़े होकर अपने बॉस के अगले ऑर्डर का इंतजार करने लगते हैं। अनया ने जब अपने सामने अपने बड़ी बहन जैसी मायरा और उसी के साथ विवान और रोहन को ऐसे चेयर पर रस्सियों से बंधा देखा और उनके बॉडी से निकल रहे खून को देखा तो उसकी आंखें खून की तरफ लाल हो गई थी। उसने अपने लाल आंखों के साथ अपने बॉडीगार्ड को एक नजर देखा। उसके ऐसे देखने से ही बॉडीगार्ड एक पल के लिए डर गया था, फिर जल्दी ही खुद को संभल कर अपने बॉस का इशारा समझकर 3 लोग आगे बढ़कर उन तीनों को छुड़ाने के लिए उनकी तरफ चले जाते हैं। उसी रूम में दूसरी साइड विक्रांत, जो उस छोटे से 15 साल के बच्चे को पीटने के लिए बड़ा ही था, कि तभी उसको किसी का उस रूम में एंटर करने का एहसास हो जाता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक काले कपड़ा पहना हुआ आदमी उसे उस रूम में किसी राजा की तरह खड़ा हुआ दिखता है और उसके पीछे बेहद सारे गार्ड और कुछ लोग उसने जिनुई को बंदी किया था उन लोगों को छुड़ाते हुए दिखते हैं, जिसे देखकर उसका माथा ठनक जाता है। विक्रांत जो लोग मायरा, रोहन और विवान को छुड़ा रहे थे उनके ऊपर ही छला देता है। उनमें से एक ही गार्ड को एक ही छू कर चली गई थी। अनया की नजर जब विक्रांत के ऊपर गई तो उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन उठाए और लगातार 4 गोलियां उसके ऊपर चला दी, 2 उसके दोनों हाथ में और 2 उसके दोनों पैरों में, जिससे उसकी एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसी के साथ उसके हाथ में गोली लगने से उसकी बंदूक उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। अनया के गार्ड ने उस बंदूक उठाकर अपने पास रखा और विक्रांत को घसीट कर अनया सामने पटक दिया। विक्रांत पहले ही गोलियां लगने के कारण दर्द में था, साथ में उसके बॉडी से बेहद खून भी बह रहा था और अभी ऐसे पटकने से उसकी हालत बेहद ही खराब होने लगी थी। अनया को एक चीज अजीब लगी कि उस रूम में या उस खंड के आसपास कोई भी आदमी क्यों नहीं थे। विक्रांत ऐसे कैसे बिना किसी सिक्योरिटी के ऐसी जगह पर होगा। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वो अपने सामने के आदमी के सिर के बीचों बीच गोली लगती है, जिससे विक्रांत वहीं पर मर जाता है। उसी के साथ अनया सबको
जल्दी से यह से निकलने को कहती है। अनाया की आवाज में थोड़ी सी घबराहट सुनकर सब समझ जाते हैं कि इस जगह में उनको ज्यादा देर रुकना सेफ नहीं है, तो सब तेजी से वहां से निकलते हैं। थ्री बॉडीगार्ड ने मायरा, विवान और रोहन को अपने कंधे पर लिया था क्योंकि उनकी कंडीशन बेहद खराब थी। अनाया उस रूम से जाने ही वाली थी कि उसके कानों में किसी के सिसकने की आवाज आती है। जब उस तरफ देखती है तो उसको एक लड़का दिखाई देता है जो उसी को देख रहा था, और शायद अभी उसने उसको विक्रांत पर गोली चलते हुए भी देख लिया था। वो जब उस लड़के के आंखों में देखती है तो उसको उससे अपनेपन का एहसास होता है, और शायद उस लड़के को भी अपने सामने खड़े काले कपड़े पहने हुए इंसान से अपनेपन का एहसास हो रहा था। अनाया बिना कुछ सोचे उस लड़के के पास जाके उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर लेके जाने लगती है, पर जब वो उस लड़के के मुंह से चीख सुनती है तो वो उसके तरफ देखती है, और तब उसका ध्यान उस लड़के के पैर में बंधी जंजीर पर ध्यान जाता है। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो एक गोली उस जंजीर पर चला देती है जिससे वो जंजीर टूट जाती है, जिसके बाद अनाया उस लड़के को झटके से अपनी गोद में उठाकर उस खंड से बाहर भागने लगती है। वो लड़का तो एक छोटे से बच्चे के जैसे अनाया को पकड़कर बैठा था। उसका अनाया की गोद में जाते हैं एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था। अनाया ने इस खंड से बाहर कदम रखा ही था और उसके पीछे दो गार्ड जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे सबके उस खंड से बाहर आते ही वो खंड एक तेज आवाज के साथ मिट्टी में मिल गया, जिसे देखकर सबके जान ही गले में अटक गई थी। अगर उनको थोड़ी से भी देरी हुई होती तो सब आज भगवान को प्यारे हो गए होते। अनाया के गोद में बैठे उस लड़के ने जब आपने सामने ये सब देखा तो उसकी पकड़ अनाया पर और भी टाइट हो गई थी, जिसे महसूस कर अनाया ने एक नजर अपने गोद में बैठे लड़के को देखा, जिसका चेहरा उसे अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था। बस आंखों के अलावा उसने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर बाकी सबको जल्दी से कार में बैठने को के और दूसरा जेट रेडी करने को कहा, और उसी के साथ मायरा, विवान और रोहन को फर्स्ट एड करने को कहा। उन सभी की कार उस जंगल से निकलकर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ जब अनाया खतरे में थी उस खंड के अंदर, तब अनाया में डैड को बेहद बौचैनी होने लगी थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका सारा परिवार तो ये पर है। एक बार जब उन्होंने सबकी तरफ देखा तो उनको वहां पर अनाया नहीं दिखी, तो वो वहां पर बैठे अनाया के बॉडीगार्ड के हेड के पास जाके उसको सीधा अनाया के बारे में पूछा, तो उस गार्ड ने हर्षवर्धन के उसके ऊपर जोर देने के बाद अनाया इस वक्त उनके साथ जेट में नहीं है, वो अपने दोस्तों को लेने गई है, जिसे सुनकर हर्षवर्धन को अपनी बेचैनी और अनाया की फिकीर होने लगी, जिससे उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, जिसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड का हेड नितिन जल्दी से उनको पकड़कर जेट में बने प्राइवेट रूम में लेके चला जाता है। तभी वहां पर अयान भी आ जाता है, उसने भी अभी अभी नितिन और श्रेया की डैड की सारी बातें सुन ली थी। वो भी अनाया के लिए परेशान हो गया था, पर जब उसने हर्षवर्धन जी की बिगड़ती हालत देखी तो वो भी स्क्रिटी हेड नितिन की मदद हर्षवर्धन जी को प्राइवेट रूम में लेके जाने में करता है। उसके बाद अयान उनको अच्छे से चेक कर नींद का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक आराम कर सके, ज्यादा टेंशन न ले। अयान और सिक्योरिटी हेड दोनों ही हर्षवर्धन जी जिस रूम में आराम कर रहे थे उस रूम से बाहर आते हैं। अयान नितिन को जेट के कोने में लेकर जाता है जहां पर कोई भी नहीं, और अनाया के बारे में पूछता है। पहले तो नितिन कुछ भी नहीं बताता, पर अयान के उस पर प्रेशर डालने के बाद वो जितना उसको पता था सब अयान को बता देता है। नितिन अयान को बता ही रहा था तभी उसके पास जो डिवाइस था उसमें ग्रीन लाइट जलने लगती है, जिसे देखकर नितिन अयान से कहता है कि आप मम की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मम बिल्कुल ठीक है, वो दूसरे जेट में बैठ गई है और इंडिया से निकल गई है। उसकी बात सुनकर अयान ने एक राहत की सांस ली। अब उसको जो भी जानना था वो सब वो अनाया से ही उसको पता चलने वाला था, इसलिए वो जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। दूसरी तरफ अनाया, मायरा, रोहन और विवान और उनके साथ अनाया के बॉडीगार्ड सब अनाया के प्राइवेट जेट में बैठ चुके थे, और उनके जेट ने इंडिया से टेक ऑफ कर लिया था। मायरा, विवान और रोहन का इस वक्त ट्रीटमेंट चल रहा था, जेट में ही मौजूद रूम में उन तीनों को ट्रीटमेंट चल रहा था। अनाया ने जिस लड़के को बचाया था वो अनाया को छोड़ ही नहीं रहा था, वो दुबक कर उसके ही गोद में बैठ गया था।
अनाया ने भी उसको खुद से अलग नहीं किया। अनाया अपनी आंखें बंद करके सीट से टेक लगाकर बैठी थी। उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था, वो सब समझने की कोशिश कर रही थी। अनाया के बॉडीगार्ड में से जिसको गोली छूकर गई थी उसका भी ट्रीटमेंट किया गया था। अनाया कुछ सोचकर अचानक अपनी आंखें खोल देती है और अपने से थोड़ी ही दूर बैठे गार्ड को अपने पास बुलाती है और उससे कुछ कहती है, जिसे सुनकर वो गार्ड पायलट के केबिन में जाके कुछ कहता है और उसके बाद वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। अनाया भी अपने फोन से नितिन को एक मैसेज टाइप करके सेंड करती है। दूसरे जेट में जहां पर पूरी मित्तल फैमिली थी, नितिन को जब अपने बॉस का मैसेज आता है उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर नितिन भी पायलट रूम की तरफ जाता है और पायलट को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वापस अपनी सीट पर आकर बैठता है। अयान ने नितिन को अपने जगह से उठकर पायलट के केबिन में जाकर उससे कुछ बातें करते हुए देख लिया था, पर वो उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसको एक बात पता चल गई थी कि नितिन को कुछ भी नहीं पता था। वो तो बस अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करता था जो कि उसको अनाया करने को कहती थी, इसलिए अयान उससे कुछ भी नहीं कहता। इंडिया में जब वो जंगल के बीचों बीच बना सीक्रेट खंडर ब्लास्ट हो जाता है तो एक आलीशान रूम में बैठा हुआ जॉन जो अभी उस खंड में जो भी कुछ हो रहा था वो सब देख रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ठंडे हो जाते हैं गुस्से के कारण, उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसके पास बैठे इंसान का भी वही हाल था। जॉन बड़े ही गुस्से के साथ अपने सामने का पेपर वेट उठाकर अपने सामने चल रही स्क्रीन पर मार देता है, जिस पर अभी उस खंड में कुछ समय पहले क्या हुआ था उस सब की फुटेज चल रही थी। उनके पास जो वो लड़का था जो कि उनका हुक्म का रेखा था, उसे किसी ने आजाद कर लिया था और साथ में उन 3 लोगों को भी जिनको उसने रात को ही उठाया था, क्योंकि उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसी के आधार पर ये वही 3 लोग थे जिन लोगों ने नंदिनी उसके पति और बेटे के बॉडी पर वो गैजेट इंसर्ट किया था। उसने इनको टॉर्चर करने के लिए उस खंड में ले गया था जहां पहले ही वो 15 साल का लड़का था। वो उस लड़के को डराना चाहता था इसलिए उसने उनके ही सामने उन तीनों को टॉर्चर किया था। उसको विक्रांत का फोन आया किसी इम्पोर्टेड काम के लिए तो वो वहां से चला गया था और उसके जाते ही वहां पर अनाया आई थी, और जैसे अनाया ने विक्रांत समझकर मारा था या जिसकी शकल विक्रांत जैसी थी वो कोई और नहीं बल्कि विनरंत का हम शकल था। विक्रांत जो काम खुद नहीं कर सकता था वो उससे करता था। जॉन और उसके साथ उस रूम में मौजूद इंसान कोई और नहीं बल्कि विक्रांत राजावत ही था, जिसने अपने सामने फुटेज में देखा था कि कैसे सर से लेकर पांव तक काले कपड़ों से ढके हुए इंसान ने किस तरफ विक्रांत के हमशक्ल को कितनी बेरहमी से मारा था और कैसे वो उस लफके को वहां से लेके गया। उसी के साथ उन लोगों ने उसके वेल ट्रेन बॉडीगार्ड को भी देखा था जिन्होंने ने कितनी आसानी से अ सीक्रेट डोर को अनलॉक किया, और उसके बाद उन लोगों ने उन तीनों को छुड़ाया जिनको एक स्पेशल तरह के लॉक से बांधा था। बस दिखने से ही वो रसिया लगती थी, पर वो कोई आम रसिया नहीं थी। ये सब देखकर अब दोनों ही सोच में पड़ गए थे, आखिर ये कौन लोग हैं और अब इनकी उनसे क्या दुश्मनी है। इनकी दुश्मनी उनसे है या सिर्फ नादिनी और उसके फैमिली से, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जॉन ने सबको इस गैंग को ढूंढने को कहा जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था वो लोग कौन थे, कहां से आए थे, और अब तक तो वो जो फुटेज देख रहे थे वो भी क्रैश हो गई थी। इसलिए अबू के पास उन 3 लोगों की कोई फोटो भी नहीं था जिनको उनने किडनैप करके टॉर्चर किया था। तभी जॉन और विक्रांत राजावत पास एक बुरी खबर आई कि मित्तल फैमिली इंडिया में उनका जो भी बिजनेस या कारोबार था वो सब बेचकर इंडिया छोड़कर चली गई है, जिसका कारण किसी को नहीं पता था। वो लोग कहां गए थे उस बारे में भी किसी को की खबर नहीं थी। उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो सब रातों रात गायब हो गई थी। मित्तल फैमिली के किसी भी मेंबर का कोई भी फोटो भी नहीं था। वो लोग इंडिया से ऐसे गायब हो गए थे कि कभी वो लोग इंडिया में थे ही नहीं। ये खबर सुनकर विक्रांत राजावत और जॉन के तो होश ही उड़ गए। देवी एक पल के लिए तो शोक ही हो गए थे। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे होगा, अब वो लोग क्या करेंगे। जॉन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। जॉन सब कलर आईडी देखता है तक हाथ से फन नीचे गिरते गिरते बच जाता है। जॉन खुद को शांत करके कॉल रिसीव करता है। जॉन के कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से जॉन के कान में एक कड़क आवाज आती है जो कि कुछ इस तरह की थी,
जॉन, अब तुमको पता ही चल चुका होगा कि मित्तल फमीय इंडिया से चली गई और वो लोग कहाँ गए हैं, ये बात किसी को नहीं पता और साथ में उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तक कि उसका वो पुछतेनी मेंशन भी किसी और के नाम है, उसके बारे में भी अभी तक कुछ पता नहीं है। और बात ये भी पता चली है कि मित्तल ग्रुप भी उसी ईंधन ने खरीद लिया है जिसके नाम पर वो मित्तल मेंशन है। उस इंसान के बारे में पता लगाना होगा, शायद उस शक से हमको मित्तल फैमिली के बारे में कुछ पता चले। उसी के साथ मुझे तुम सको और भी कुछ बताना है तो तुम सब जल्दी से अपने सीक्रेट आड़े पर आओ, बाकी सबको भी इन्फॉर्म करना। इतना कहकर उस इंसान ने फोन काट लिया बिना जॉन की कोई बात सुने बेगा। जॉन अपना फोन नीचे टेबल पर रख देता है और वो किसी सोच में गुम हो जाता है। उसको ऐसे देखकर विक्रांत जो कि उसके पास ही बैठा था वो उससे कहता है, क्या हुआ जॉन, किसका फोन था? विक्रांत के सवाल से जॉन अपने सोच से बाहर आकर उसकी तरफ देखकर कहता है, बॉस का कॉल था, उनने हम सबको अपने सीक्रेट आड़े पर बुलाया है, वो कुछ बताना चाहते हैं। जॉन की बात सुनकर विक्रांत राजावत एक पल के लिए डर ही गया। वो जॉन की तरफ देख किरकिता है, कुछ बताने के लिए बुलाया है कि किसी को टपकाने के लिए? उसकी बात पर जॉन उससे कहता है, कुछ नहीं पता, वहां जाकर ही पता चल जाएगा, चलो अब जाके देखना तो होगा, वैसे भी जब हमने बॉस को दिखा नहीं दिया तो फिर हमको किस बात का डर? उसकी बात पर विक्रांत भी अपना सर हमें हिलाता है और दोनों ही सीक्रेट बेस की तरफ जाने के लिए निकल जाते है। जॉन और विक्रांत ने अपने बाकी के सभी साथियों को भी मैसेज करके बुलाया था कार में। जॉन विक्रांत को कुछ भी उससे बॉस ने कहा था उस बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर विक्रांत भी गहरी सोच में लग चला जाता है। साथ में विक्रांत अपने खास आदमी को मित्तल ग्रुप का अभी का ऑनर कौन है उसके बारे में पता लगाने कह देता है। दूसरी तरफ सुरभि जो अभी अभी स्कूल में आई थी उसको भी मित्तल परिवार का इंडिया छोड़कर जाने के बारे में पता लग गया था, बस किसी को कारण नहीं पता था। रावी जो कब से क्लासरूम में बैठकर अनाया का आने का वेट कर रही थी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो जल्दी से अपना बैग लेके भागते हुए स्कूल से बाहर जाके अपनी कार मैं बैठ जाती है जो कि उसी को लेने के लिए आई थी। उस गाड़ी में बैठकर वो अपने फ्लैट पर चली जाती है जहां पर वो रह रही थी। वहां जाके वो अपने रूम में जाके अपने कपड़े चेंज करके साथ में अपनी बैग पैक करके बाहर आती है। उस फ्लैट की चाबी अपने बॉडीगार्ड को देकर वो कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ चली जाती है। थोड़ी ही समय बाद रावी प्लेन में बैठकर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए निकल चुकी थी जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली इस वक्त थी। अभी रावी को जब वो स्कूल में अनाया का इंतजार कर रही थी तब अपने घर से ही कॉल आया था, उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी हालत बेहद ही सीरियस थी, इसलिए रावी अपने डैड से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। रावी के इंडिया छोड़ते ही उसके पीछे से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हटा दी गई थी, अब उसको कोई भी ढूंढ नहीं सकता था और नहीं ट्रैक कर सकता था। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक मित्तल परिवार जिस जेट में था वो जेट ऑस्ट्रेलिया में लैंडिंग करता है। जेट ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर लैंड होते ही उससे मित्तल फैमिली नीचे उतरती है और साथ में ही हर्षवर्धन मित्तल भी, वो अब पहले से बेहतर थे। अयान ने उनको अनाया बिल्कुल सही सलामत है और वो कुछ ही सेकंड में उनके पास आ जाएगी ये कहकर सबल लिया था। वो अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे थे। अभी तक मित्तल फैमी को इस बारे में पता नहीं था कि वो लोग अमेरिका में नहीं बल्कि अभी ऑस्ट्रेलिया में है। इस बारे में सिर्फ अयान और अनाया के गार्ड ही जानते थे जो कि मित्तल फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे। मित्तल फैमिली के जेट से नीचे उतरते ही उनको ढेर सारे बॉडीगार्ड ने कवर कर लिया। उन सब ने ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहना था और साथ मैंने यूनिफॉर्म में लगाया गया एएम का लोगो। वो सारे बॉडीगार्ड मित्तल फैमिली को प्रोटेक्ट करके वीआईपी एरिया से मित्तल फैमिली को एयरपोर्ट से बाहर निकलकर बाहर खड़ी आलीशान कार में बिठा कर सभी कारों का काफिला अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। इस वक्त मित्तल फैमिली के हर एक मेंबर के दिमाग में बेहद सारे सवाल थे, पर उनको पता था उन सब का जवाब
उनको उनकी प्रिंसेस ही दे सकती है और उनको अभी जेट से बाहर निकलने के बाद पता चला कि अनाया उनके साथ नहीं है। सब पहले परेशान हो गए थे पर अयान ने सबको संभाल लिया था। सब अपने मन में ढेरों सवाल लिए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। मित्तल फैमी एयरपोर्ट से निकल गई थी। उसके ठीक 2 घंटे बाद अमाया का जेट वहां पर लैंड होता है, जिसमें से अनाया उसका हाथ पकड़कर उसके बगल में खड़ा हुआ उसी के उम्र का लड़का जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था, जिससे उसका चेहरा आसानी से दिखाई नहीं दे रहा था। विवान, रोहन और मारिया जिनकी तबीयत थोड़ी अच्छी थी, अब उसी के साथ अनाया के बॉडीगार्ड निकलते हैं। वो सब एयरपोर्ट से निकल पर बाहर खड़ी अपनी कार में बैठकर जहां पर इस वक्त मित्तल फैमिली गई थी उस तरफ चले जाते है। दूसरी तरफ इंडिया में सीक्रेट लैब। इस वक्त सीक्रेट लैब के बड़े से रूम में किंग साइज चेयर में महेश मेहरा बैठा था, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है या वो क्या सोच रहा है ये बता पाना मुश्किल था। उसी के सामने वाले चेयर पर विक्रांत राजावत, जॉन नंदिनी, उसका पति और उसका बेटा आकाश बैठा था। उसी के साथ मैं सुरभि और एक मास्क पहना हुआ आदमी बैठा था जो कि लड़की है। ये लड़का बता पाना मुश्किल था। वो सर से लेके पाँव तक ढका हुआ था। बस उसकी वो 2 काली आंखें देखी जा सकती थी जिसमें इस वक्त असीम गुस्सा था। महेश मेहरा अपने सामने मौजूद टेबल पर रखा हुआ पेपरवेट घुमा रहा था और उसकी नजर बारी बारी उस रूम में बैठे हर एक ईशान पर हम रही थी, जिससे सभी अंदर से डरे हुए थे। वो सिर्फ बाहर से नॉर्मल होने का दिखावा कर रहे थे पर अंदर से वो कितने घबराए और डरे हुए थे वो वही जानते थे। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और 2 आदमी जिन लोगों ने ग्रीन कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था जो कि महेश मेहरा के आदमी थी, वो अपने साथ एक आदमी को पकड़ लेकर आए थे जिसके दोनों हाथ पीछे के तरफ रस्सियों से बंधे थे। साथ में उसके मुंह पर भी चिकट टेप लगाया हुआ था। उस आदमी की हालत बेहद ही खराब थी। उसको बेहद टॉर्चर किया गया था। उसके बॉडी पर हर एक जगह पर जख्म के निशान थे और जिसमें से खून निकल रहा था, कहीं घावों का खून भी अब सूख चुका था। वो 2 गार्ड उस आदमी को अपने बॉस यानी जी महेश मेहरा के आगे लेकर खड़ा करके उनमें से एक आदमी कहता है, बॉस ये वही है जिसने हमसे गदरी की है। आपका ही नमक खाकर इसने आपके दुश्मन के साथ चांद पैसों के लिए हाथ मिलाकर हमारे सारे सीक्रेट उनसे शेयर किए, जिसके चलते हम पिछले 1 महीने से काफी नुकसान सहना पड़ रहा है। इसका क्या करना है बॉस? महेश मेहरा एक बार अपने आदमियों को और फिर उन लोगों ने अपने साथ लाए हुए आदमी की तरफ एक नजर देखकर अपने आदमी से इशारे से ही उस आदमी के मुंह से टेप हटाने को कहता है। अपने बॉस के इशारे को समझकर वो आदमी उस धोखेबाज के मुंह पर लगा टेप हटाता है और उसको अपने बॉस के पैरों में गिरता है। उस आदमी के मुंह से टेप हटाते ही उसकी एक चीख निकलती है। वो अपने सामने बैठे शैतान की तरफ देखकर उससे कहता है, बॉस गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, बस एक मौका दे, 2 पैसे के लालच में बेहक गया था बॉस, बस एक बार माफ कर दो। महेश मेहरा उसकी तरफ देखकर अपनी ठंडी और कठोर आवाज में कहता है, तो तुम्हें माफी चाहिए। महेश मेहरा की बात सुनकर वो आदमी जिसका नाम नमन था, जिसने अपने ही बॉस यानी कि महेश मेहरा के साथ गद्दारी की थी, उसके डील के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को उसके दुश्मन को बेच दी थी, जिससे उसको बेहद सारा पैसा मिला था। वो उस सारे पैसे को लेकर इंडिया छोड़कर भाग ही रहा था कि उसको महेश मेहरा के आदमियों ने पकड़ लिया था। नितिन अपने बॉस की बात सुनकर अपने आंखों में एक उम्मीद लिए उनकी तरफ देखकर अपना सरहा में हिलाता है। उसकी हाँ कहते ही महेश मेहरा उसकी तरफ देखकर एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ उसकी तरफ देखकर कहते हैं, तो दिया तुमको एक मौका, तुम भी क्या याद रखोगे, पर उससे पहले तुमको अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी, जिसके लिए जो मैं कहूंगा वो तुमको करना होगा। अपने बॉस की बात सुनकर नमन खुश भी होता है और ईमानदारी साबित करने की बात पर जट से राजी भी हो जाता है, पर महेश मेहरा यानी कि उसका बॉस जो कहेगा वो करना होगा ये सुनकर वो जरा परेशान होता है, पर फिर खुद को
खुद ही सांत्वना देते हुए कहता है, बॉस जो कहेगा वो अभी तो तू कर ले नमन, अभी बस अपनी जान कैसे भी बचानी है, जान बचे तो लाखों पाए। ये सोचकर वो अपना सर हमें हिलाकर महेश मेहरा से कहता है, बॉस मैं अब जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ, मैं अब से आपसे पूरी तरह से लॉयल रहूंगा। उसने बस इतना ही कहा था कि उसकी बात सुनकर बाकी सब महेश मेहरा की तरफ देखने लगते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके बॉस के मन में आखिर चल क्या रहा है। महेशा मेहरा नमन की बात सुनकर डेविल स्माइल करता है, पर किसी के भी देखने से पहले उसे आसानी से छुपा लेता है। वो अपने गार्ड के तरफ देखकर नमन के हाथ छुड़ाने को कहता है। जो गार्ड अभी नमन को लेकर आए थे वो उसका हाथ जो बंधे हुए थे उसको आजाद कर देते हैं। अपने हाथों को रस्सियों से आजाद देखकर नमक चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, पर वो कुछ समय तक जो रहती है। जैसे ही उसके कान मैं अपने बॉस की आवाज पड़ती है वैसे ही और अपने बॉस के कहे गए शब्द सुनकर उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। वो हैरानी और डर से अपने बॉस की तरफ देख रहा था। महेश मेहरा उसके सामने एक गन फेंक उससे कहता है, इस गन में एक ही गोली है, तुमको अपनी ईमानदारी साबित करनी है, ना तो उठाओ इस गन को और अपने आप को शूट करो। महेश मेहरा की आवाज इस वक्त बेहद ही खतरनाक और डरावनी थी, जिससे वह बैठे सब अपनी जगह पर जम गए और साथ मैं डर के मारे कांप भी रहे थे। अपनी बॉस की बात सुनकर नमन अपने बॉस की तरफ देखकर डरते हुए उस कहता है, बॉस की तरफ देखकर कहता है, बॉस आप ये क्या कह रहे हैं, अगर मैंने अपने आप को शूट कर दिया ईमानदारी दिखाने के लिए तो फिर क्या फायदा। उसने बस इतना ही कहा था कि महेश मेहरा की डरावनी आवाज उसके कान में पड़ती है, तुमने महेश मेहरा को यानी कि मुझे धोखा दिया है, मेरा ही नमक खाकर मुझसे ही गद्दारी की, और तुमको क्या लगा मैं तुम्हारी इन बातों पर विश्वास करके तुमको माफ कर दूंगा, तो तुम गलत हो। ये महेश मेहरा किसी को दूसरा चांस नहीं देता। अगर पहले ही तुमने चांद रुपए के लिए मुझसे गद्दारी की तो आगे तुम्हारा क्या भरोसा, मैं उल्टा तुमको आसान तरीका बता रहा हूँ अपनी मौत को चुनने को, उठाओ वो गन और शूट करो खुद को, नहीं तो बी रेडी मेरी खतरनाक टॉर्चर को सहने के लिए, जिस बारे में तुमको तो पता ही होगा ना। महेश मेहरा की गए गए शब्दों को सुनकर नमन और उसके साथ ही सब डर से कांपने लगे थे। वो अच्छे से इस मॉन्स्टर के टॉर्चर के बारे में जानते थे, जिसे याद करके ही उनके रोंगटे खड़े हुए। नमन उस टॉर्चर से अच्छा बंदूक से मरना पसंद करना चाहता था, इसलिए वो अपने सामने पड़ी हुई बंदूक अपने कैपते हुए हाथों से उठाता है और धीरे धीरे अपनी सर की तरफ बढ़ने लगता है, पर एक जगह पर आकर उसके हाथ रुक जाते हैं। वो अपने हाथ में पकड़े हुए बंदूक की नोक महेश मेहरा की तरफ करके अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कराहट लाकर उससे कहता है, मैं ऐसे ही नहीं मरूंगा, अब साथ में तुम्हें भी लेके जाऊंगा। इतना कहकर वो ट्रिगर दबा देता है। सारे अपनी जगह पर स्तब्ध होकर अपने आगे जो हो रहा था वो देख रहे थे। महेश मेहरा के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो शांति से अपने सामने घुटने पर बैठे हुए नामक देख रहा था, जिसने उसके तरफ गन प्वाइंट की थी। उसके ट्रिगर दबाने से पहले ही विक्रांत और रूम में मौजूद सभी अपने होश में आकर उसको रोकने के लिए उसके तरफ बढ़ ही रहे थे कि वो सब उसके तरफ बढ़ते उससे पहले ही वो ट्रिगर दबा देता है। सब अपने अपने जगह पर रुक जाते हैं। नमन जो काफी खुश हो रहा था वो जब देखता है कि वो गन खाली है तो वो हैरानी से महेश मेहरा की तरफ देखता है। उसके साथ ही बाकी सब भी मेहरा मेहरा अपने होठों पर शैतानी मुस्कराहट लेके उसकी तरफ ही देख रहा था। साथ में उसके हाथ में गन थी जो कि उसने नमक के ऊपर पॉइंट की थी। वो बिना कुछ कहे अपनी गन के अंदर की 6 के 6 गोलियां नमक के ऊपर शूट करता है, जिससे नमन वहीं पर ढेर हो जाता है। महेश मेहरा को इतना गुस्सा आया था कि वो वहीं पर नहीं रुकता, अपनी दूसरी गन लेके वो अपने सामने लगी दीवार पर लगी अनाया की तस्वीर पर उस गन की सारी गोलियां चला देता है। वो ऐसा करते वक्त किसी शैतान से कम नहीं दिखाई दे रहा था। उस रूम में मौजूद बाकी सब लोग तो अपने सामने अभी जो हुआ उसे देखकर ही अपनी जगह पर जम गए थे। सब बेहद डरे
हुए लग रहा थे, पर सबने अपना डर अपने चेहरे पर शो नहीं होने दिया। जब उन सब ने महेश मेहरा को अनाया को फोटो पर गुस्से से गोलियां चलाते हुए देखा तो वो लोग जो थोड़ी देर पहले डरे थे वो अपने चेहरे पर डेविल स्माइल करके अनाया के उस फोटो को देख रहे थे जिसको महेश मेहरा ने गोलियों से खराब कर दिया था। अनाया के फोटो पर अपने गन में मौजूद सारी गोलियां चलाने पर कहीं जाकर महेश मेहरा का गुस्सा कम हो गया था। वो अभी तो अनाया को मार नहीं सकता था और न ही उसको पता था इस वक्त अनाया और मित्तल फैमिली इस वक्त कहां पर है, पर उसको उनके बारे में पता होता तो भी वो अनाया को हार्म नहीं कर सकता था जब तक उसकी जो चाहिए था वो नहीं मिल जाता। महेश मेहरा अपने सीट पर बैठकर अपने सामने बैठे हुए लोगों पर एक नजर डालता है, फिर नमन की तरफ देखता है जो कि खून से लथपथ नीचे पड़ा था। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। वो अपने गार्ड की तरफ एक नजर देखकर उनको नमन को ये से उठाकर ठिकाने लगाने का इशारा करते हैं, जिसे समझकर वो दो गार्ड नमन को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। महेश मेहरा वहां मौजूद सबकी तरफ देखकर अपने हाथ में मौजूद गन को साफ करते हुए उनसे कहता है, तुम लोगों ने अभी अपने सामने लाइव शो देखा ही होगा कि मुझे धोखा देने का अंजाम क्या होता है, तो आशा करता हूँ तुम लोग मुझसे गद्दारी करने से पहले 1000 बार सोचोगे। उसने इतना ही कहा था कि वह मौजूद सभी अपना थूक निगलकर अपना सरहा में हिला देते हैं, जिसे देखकर महेश मेहरा की खतरनाक हंसी हंसने लगा था, जिससे वह मौजूद सभी के चेहरे पर ठंडा पसीना दिखने लगा था। महेश मेहरा उन सब की तरफ अपनी गंभीर आवाज में कहता है, मैंने तुम सबको ये क्या बुलाया है इसके बारे में सब को पता ही होगा, तो आप सब लोग मुझे बताने जा कष्ट करोगे कि इस वक्त मित्तल फैमिली कहां पर गई है, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। महेश मेहरा यानी कि अपने बॉस की बात सुनकर सब अपने चेहरे पर आता हुआ पसीना पोंछकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जॉन खुद के डर पर कंट्रोल करके महेश मेहरा से कहता है, बॉस मित्तल फैमिली कहां पर गई है इस बारे में कुछ भी अब तक पता नहीं लग पता है, उनने अपनी कंपनी एएम को बेची है, उसके बारे में भी अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली है, पर जल्द ही उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। हमारे आदमी जो अभी भी मित्तल ग्रुप में मौजूद है वो जल्द ही एएम की इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा देंगे। और रही बात मित्तल फैमिली की, तो मित्तल फैमिली में को हमारे जासूस है, उनसे हमें इतना पता चला है कि रात के 3 या 4 बजे उनको मित्तल मेंशन के ऊपर चोपा की आवाज आई थी, जिससे यही पता चलता है कि वो लोग रात को ही चोपा से कहीं चले गए हैं। इतना कहकर जॉन चुप हो जाता है। उसकी बात ध्यान से सुन रहा महेश मेहरा अपना सर हिलाता है, वो इस वक्त किसी सोच में डूबा हुआ था। वो कहता है, ठीक है तो ये पता लगाओ कि चोपा कहाँ से आए और कहाँ पर गए। उसी के साथ ही 24 हाउस मित्तल मेंशन और मित्तल ग्रुप पर नजर रखो और साथ में हमारे जितने भी आदमी अंडर कवर है सबको एक्टिवेट करो और मित्तल फैमिली जिस भी भीड़ में छुपी होगी उसको ढूंढने को कहो। मुझे जल्द से जल्द उनके बारे में खबर चाहिए, खासकर उस अनाया के बारे में। वो ही मुझे जो चाहिए, इस खजाने की चाबी है, उसका मिलना बेहद जरूरी है। जिस पर जॉन और बाकी सब अपना सरहा में हिलाते हैं। जॉन कहता है, यस बॉस, जल्द ही आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन होगी। विक्रांत राजावत महेश मेहरा से कहता है, बॉस इस पिद्दी से लड़कों को किसी ने हमारे कैद से छुड़ाया है और उसी के साथ विकी को बड़ी ही बहरामी से मार दिया है। उसने इतना ही कहा था कि महेश मेहरा अपनी कड़क और डरावनी आवाज में कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरे ही एरिया में एंटर करके मेरे ही आदमी को मार दिया, कौन है वो पता चला। जिस पर विक्रांत अपना सर ना नहीं हिलाकर कहता है, नहीं बॉस, वो बेहद सारे लोग थे, सबने काले कपड़े पहने हुए थे और जो उनका हेड था वो तो सर से लेके पाँव तक काले कपड़ों से ढका हुआ था। वो लोग किस गैंग के थे उस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, ये तक कि वो लोग कहाँ से आए कहाँ चले गए ये भी हमें अब तक पता नहीं चला। वो बेहद ही मिस्टीरियस लग रहे हैं। विक्रांत की बात खत्म होते ही जॉन आगे बोलता है, बॉस और एक बात है, मुझे लगता है वो लोग उस पिद्दी से
लड़के के लिए नहीं बल्कि उन तीन लोगों को छुड़ाने आए थे जिन्हें हमने पकड़ा था। ये तीन लोग वही थे जिन्हों नंदिनी, विनय और आकाश के अंदर एक छोटा सा गैजेट इनसे किया था जिससे उनकी पल पल की खबर उन तक पहुंच जाती थी। यह तक कि वो लोग जिससे भी मिल रहे थे उसके बारे में भी उनको पता चलता था। हमें जब उस गैजेट के बारे में पता चला तब हम उन तीन लोगों तक पीछा गए थे। हमने उन्हें पकड़कर टॉर्चर करके उनका मकसद जानने की कोशिश की पर उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। मुझे लगता है उन्हीं तीनों को छुड़ाने के लिए वो लोग आए थे और उन्हें चोट के वो लोग वहां से जा ही रहे थे कि तब अनका उस बच्चे की आवाज आई और वो लोग उसे भी वहां से लेके गए। महेश मेहरा जॉन और विक्रांत की बातें सुनने के बाद सीरियस चेहरे के साथ उनसे कहता है, पता चला उन तीन लोग अभी कहा है अगर हम उनका पता लगाए हैं तो हम उस गैंग तक आसानी पहुंच पाएंगे। तुम एक करो, उन तीनों की फोटो दे दो या हमने उस सीक्रेट खंड में छुपाए हुए सीसीटीवी की फुटेज दो। उसने इतना ही कहा था कि विक्रांत और जॉन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपना सर झुकाकर महेश मेहरा से कहते हैं, बॉस उन तीनों की फोटोज नहीं है और उस खंड की वीडियो क्रश हो गई है और हमारे पास उन तीनों की जो भी इन्फॉर्मेशन थी सब गायब हो गई है। हमारे मोबाइल और लैपटॉप को किसी ने हैक करके सब मिटा दिया है और अभी वो तीनों ऐसे गायब हो गए कि वो कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। उनकी बात सुन के महेश मेहरा को गुस्सा तो बेहद आ रहा था फिर भी वो सोने गुस्से को कंट्रोल करता है और अपनी नजरें नदीनी उसके पति विनय और बेटे आकाश की तरफ करे हुए उनसे कहता है, अब तुमगों ने किससे दुश्मनी मोल ली जो वो सब तुम्हारे पीछे लगे। उससे मेरा भी नुकसान हो रहा है अब जब तुमगो के वजह से वो पिद्दीसा लड़का मेरी कैद से छूटा है तो तुम ही तीनों उसे कहीं से भी 1 हफ्ते के अंदर मेरे सामने लाके खड़ा करोगे, नहीं तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम तीनों ये से जा सकते हो। ये सब महेश मेहरा ने बेहद ही खतरनाक तरीके से कहा था जिसे सुनकर उन तीनों की रीढ़ की हाड़ी कांप गई। वो लोग कुछ कहना चाहते थे पर महेश मेहरा ने उनको कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, सीधा वहां से जाने को कहा। उन तीनों के जाने के बाद उस रूम में अब सिर्फ और सिर्फ विक्रांत जॉन और महेश मेहरा ही मौजूद था। महेश मेहरा थोड़ी देर उन दोनों से कुछ डिस्कस करता है उसके बाद सब वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में मित्तल फैमिली की कार एक बड़े से व्हाइट मैंशन के आगे जाके रुकती है। वो मैंशन बेहद ही खूबसूरत था और बड़ा भी। उस मैंशन के बाहर बेहद बड़ा गार्डन था जिसमें हर तरह के पौधे मौजूद थे। साथ में वो गार्डन बिल्कुल वैसा ही था जैसे मित्तल मैंशन का इंडिया का गार्डन था और वो विला व्हाइट मैंशन भी सेम टू सेम मित्तल मशीन की डिक्टो कॉफी थी। बस इस मैंशन का कलर व्हाइट था, बाकी सब सेम ही था। सब जब उस व्हाइट मैंशन के अंडर एंटर करते हैं तो उनको ऐसे लगता है वो इंडिया में ही अपने खानदानी मैंशन में है। उस मैंशन में सब वैसा ही था जैसे मित्तल मशीन में था। हर एक चीज इंटीरियर से लेके सब कुछ। सब इतने बड़े सफर से बेहद थके हुए थे इसलिए सब अपने अपने रूम में जाके आराम करने के लिए चले जाते हैं। उनकी अयान ने और हर्षवर्धन मित्तल ने पहले ही बता दिया था कि अनाया अपने दोस्तों के साथ कुछ ही देर में यह आ रही है तो किसी ने कुछ नहीं कहा। उन सब के अपने अपने रूम में जाते ही 2 घंटे बाद उस मैंशन के आगे एक व्हाइट कार आकर रुकती है जिनमें से बीच वाली कार से अनाया बाहर निकलती है और उसका हाथ पकड़ा हुआ उसी के उम्र का लड़का और उसके पीछे वाली कार से गार्ड को हेल्प से विवान रोहन और मारिया। रात हो चुकी थी इसलिए सब मैंशन के अंदर जाके अपने अपने रूम सोने चले जाते हैं। अनाया पहले अपने ही सेम उम्र के उस लड़के को अपने रूम में सुलाती है उसके बाद वो अपने डैड के रूम में जाती है। उसके उम्मीद के अनुसार उसके डैड अब भी जाग रहे थे और वो उसी का इंतजार कर रहे थे। जब अनाया के डैड अपनी बेटी को सही सलामत अपने सामने देखते हैं तो वो जल्दी से आगे बढ़कर उसको अपने गले से लगाते हैं और उससे कहते हैं, प्रिंसेस आपने तो आज अपने डैड को डरा ही दिया था, इस बार तो हम आपको माफ कर देते हैं पर आगे से नहीं। आपको जहां भी जाना है जा सकती हो पर पहले मुझे बताकर जाना होगा। मैसेज करोगी तो भी चलेगा, जब मैं पास नहीं होगा तब।
अनाया अपने डैड को कहती है, ओके डैड वो बस इमरजेंसी थी इसलिए आगे से ऐसा नहीं करूंगी, मैंने सुना आपकी तबीयत खराब हो गई थी अब कैसी है। अनाया के डैड उससे कहते हैं, अब मैं ठीक हूँ, अभी खाना खाकर दवाई ले ली है और अब जब तुम आ गई हो तो अब मैं बिना किसी परेशानी के सो सकता हूँ। अनाया मुस्करा कर अपने डैड को सोने को कहती है और उनके रूम से अपने रूम की तरफ बढ़ती है। वो बस अपने रूम का डोर ओपन करके अंदर जाने ही वाली थी कि कोई उसका हाथ खींचकर उसको वहां से दूसरे रूम में ले जाके उस रूम का डोर बंद कर उस डोर से उसको लगाकर उसके होठों पर वाइल्डली किस करने लगता है। ये सब इतने अचानक हुआ कि अनाया को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। किसी के होठों को अपने होठों पर महसूस करके वो अपने होश में आई जब उसने देखा कि अयान उसको किस कर रहा है और साथ में बाइट भी कर रहा है। इस किस में कोई प्यार नहीं था, अयान किस के जरिए उस पर अपना हुआ जाहिर कर रहा था, जिसे समझकर अनाया अपने दोनों हाथों का हार बनाकर से गले में डालती है और वो भी उस किस में उसका साथ देने लगती है। अयान जन किस में अनाया का साथ पता है तो वो अनाया को जो थोड़ी देर पहले रुडली किस कर रहा था वो अब धीरे धीरे प्यार बरी किस में बदल जाती है। अयान अनाया को पैशनेटली किस कर रहा था जिसमें अमाया भी उसका बखूबी साथ दे रही थी। अयान जो अनाया के ऐसे बिन बताए जाकर खुद को खतरे में डालने से बेहद गुस्सा था और वो उसी गुस्से में उसे रुडेल्ड और वाइल्डली किस कर रहा था, पर धीरे धीरे अनाया का साथ देखकर उसका गुस्सा कम हो गया और उसकी किस धीरे सॉफ्ट हो गई। अयान अनाया को पैशनेटली किस कर रहा था, अनाया भी बखूबी उसका साथ दे रही थी। अयान अनाया के होठों को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर जब अनाया अपने होठों को नहीं खाती तो अयान का एक हाथ जो अनाया के कमर को सहला रहा था, अयान अपना वो हाथ अनाया के टॉप के अंदर डाल देता है और उसकी कमर का सहलाने लगता है। अयान का हाथ अपने कमर पर महसूस करके अनाया सिहर जाती गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही अयान उसके कमर पर चुकुटी कर लेता है, जिससे उसकी आह निकल जाती है। उसके होठ हल्के से खुल गए थे, जिस देख अयान अपनी जिब उसके मुंह में डालकर उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। अनाया को भी अच्छा लग रहा था, वो भी उसका साथ दे रही थी। दोनों की जी जिब एक दूसरे के साथ खेल रही थी। जब थोड़ी देर किस करने के बाद दोनों को ही सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है तो दोनों ही एक दूसरे अलग होकर खुद की सांस नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। अयान अनाया को अपने गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और खुद बेड की दूरी तरफ लेटकर अनाया को हग कर लेता है। अयान अनाया की तरफ देखकर कहता है, बेबी इस बार तो मैं तुमको माफ कर रहा हूँ, पर अगर अगली बार खुद को परेशानी में डाला तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और जहाँ भी जाना हो तुम मुझे बताकर जाओगी, समझ गई। अयान की बात सुनकर अनाया मुंह बनाकर उससे कहती है, आयु तुम भी पापा की तरह ही बोल रहे हो कि जहाँ भी जाना होगा मुझे बताकर जाना। अयान उसके सिर पर टैप करे हुए कहता है, हाँ तो क्या गलत कहा अंकल ने, उन्हें तुम्हारी फिक्र है इसलिए ही कह रहे हैं ना, और तुम बताकर जाऊंगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा। उसकी बात सुनकर अनाया अयान को हग करके कहती है, हाँ हाँ मैं तुमको और डैड को जहाँ भी जाना होगा तो बता दूंगी, बस अब तुम गुस्सा मत करो मुझे, तुम इसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते पक्का, आगे से कभी मैं खुद को मुसीबत में नहीं डालूंगी। उसकी बातें सुनकर अयान उसको टाइट हग करके उसके बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, बेबी मुझे भी थोड़ी ही अच्छा लगता है आप पर गुस्सा करना, पर आप ही कुछ ऐसा करती हो कि उससे मुझे गुस्सा आ जाता है, अब आगे से कभी खुद को मुसीबत में मत डालना, ओके। अनाया अपना सर अयान के सीने से निकाल कर हाँ में सर हिलाती है, तभी उसकी नजर अयान के होठों पर जाती है जो अभी थोड़ी देर पहले किस करने से लाल हो गए थे, जिसे देखकर अनाया को फिर से एक बार अयान के होठों को किस करने की इच्छा होती है। उसका गला सूखने लगता है तो वो बिना वक्त गवाए अयान के होठों पर अपने होठों को रखकर उसे किस करने लगती है। अयान तो अनाया के इस अचानक किया गए एक्शन से शोक में ही चला गया, पर जब उसको अपने होठों पर गिला महसूस हुआ जो कि अनाया उसके होठों को लिक करने से हो रहा था, जिससे वो अपने होश में आता है और अनाया को खुद
के नीचे करके खुद उसके ऊपर आकर उसके होठों को रस पीने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। अनाया के दोनों हाथ अयान के बालों में थे तो अयान का एक हाथ अनाया के गाल को सहला रहा था और दूसरा उसके पूरे बॉडी पर चल रहे थे। जब अनाया को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो अयान उसके होठों को छोड़कर उसके कॉलर बोन पर किस करने लगता है। कॉलर बोन पर किस करने के बाद अयान एक बार फिर उसके होती को अपने गिरफ्त में ले लेता है। थोड़ी देर एक दूसरे को किस करने के बाद दोनों ही एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। अनाया तो ये भूल ही गई थी उसके रूम में उसी के उम्र का लड़का भी सो रहा है। वो तो आराम से अपने आयु की बाहों में सुकून की नींद सो रही थी। रात के ठीक 2 बजे अनाया के सपने में उसे किसी लड़के की रोने की आवाज आती है। आवाज क्या, उसको तो अपने सपने मैं कोई रोए हुआ देखता है। किससे उसकी नींद खुल जाती है। उसने कौन तो रहा है, उसका चेहरा नहीं देखा था उसको, बस एक धुंधली सी परछाई दिखाई दे रही थी। अनाया अपनी आंखें खोलकर आसपास देखने लगती है तो उसको अपनी दूसरी तरफ अयान सोता हुआ दिखता है जो कि उसके पेट को हग कर दिया था, जो सोते हुए बेहद ही प्यारा लग रहा था। अयान के काले रेशमी बाल उसके माथे पर आए थे जिससे वो सोते हुए भी बेहद हैंडसम लग रहा था। उसको ऐसा देखकर अनाया अपने मन में ही कहती है कोई सोते हुए भी इतना प्यारा और हैंडसम कैसे लग सकता है, पर जो भी हो मेरा है। अनाया मुस्कराते हुए अयान के माथे पर किस करती है। वो उसको प्यार से निहार ही रही थी कि तभी उसे अपने दिल में बेचैनी महसूस होती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है उसे बेचैनी क्या हो रही है, क्योंकि उसकी सारी फैमिली तो इसी व्हाइट मैंशन में सेफ है, तो फिर उसको बेचैनी क्या महसूस हो रही है। तभी उसे याद आता है कि येसी हाय बेचैनी उसको उस खंड के अंदर के सीक्रेट रूम में हुई थी उस लड़के के रोने की वजह से। ये याद आते ही उसको याद आता है कि वो लड़का तो उसके रूम में ही है, कहीं वो लड़का तो खुद को अनजान जगह पर पाकर रो तो नहीं रहा। ये याद आते ही वो जल्दी से बेड से उठने लगती है। उसके ऐसे करते ही अयान जो उसको हग करके दिया था उसकी नींद खुल जाती है। वो जब अनाया को इतनी हड़बड़ी में बेड से उतरते हुए देखता है तो वो अपनी आंखें मलते हुए उससे कहता है बेबी क्या हुआ, आप इतनी जल्दबाजी में कहां पर जा रही हो। अनाया का ध्यान अयान की आवाज से उस पर चला जाता है। वो उसकी तरफ देख कर कहती है कुछ नहीं आई वो रूम में। वो इतना ही कहती है कि उसकी बेचैनी और बढ़ने लगती है तो वो बिना कुछ कहे अयान का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ अपने रूम में ले जाती है। अयान ने भी अनाया के बेचैन चेहरे को देख लिया था इसलिए वो बिना कुछ कहे उसके साथ उसके रूम में आता है। वो दोनों जब अनाया के रूम में आते हैं तो उनकी किसी की रोने की आवाज आती है जिसे सुनकर दोनों का ध्यान उस तरफ जाता है। तो वो देखते गई एक लड़का अपने पैरों को मोड़कर उनमें अपना सिर छुपकर रो रहा है, साथ में उसका पूरा शरीर भी को रहा है। अनाया जब उसको कांपता और रोता देखती है तो उसको उस लड़के को ऐसे देखकर अपने दिल में दर्द होने लगता है। वो जल्दी से उस लड़के पास जाके बैठती है और उसका सर सहलाने लगती है। उसके ऐसा करते ही वो लड़का डर से कांप जाता है। उसे ऐसे डरता देखकर अनाया उससे कहती है मैं हूँ, तुम इतना डर क्या रहे हो और क्या तुमने बुरा सपना देखा जो तुम इतने रो रहे हो। उस लड़के को जब किसी की जानी पहचानी आवाज आती है तो उस तरफ देखता है जहां पर अनाया उसके पास बैठी थी। उसको देखकर वो उसको हग करता है और सुबकते हुए कहता है आप कहाँ चली गई थी मुझे ऐसे इतने बड़े रूम में अकेला छोड़कर, मैं डर गया था, मुझे लगा वो बुरे अंकल फिर से मुझे टॉर्चर करेंगे। उसके ऐसे अचानक उसके गले लगाने से अनाया भी उस लड़के को गले लगती है और उसकी बात सुनकर उससे कहती है मैं कहीं नहीं गई थी, यहीं पर थी, तुम घबराओ मत, तुमको वो बुरे अंकल अब कभी भी हार्म नहीं कर पाएंगे और ये मेरा रूम में है तो तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। ओके, उसकी बात पर वो लड़का उसको वैसे ही हग करके अपना सर हमें हिलाता है। तभी उसकी पेट में से गुड गुड की आवाज आने लगती है जिसे सुनकर वो लड़का अपने पेट पर हाथ लगाकर अनाया से दूर होकर अपना सिर झुकाकर बैठ जाता है। उसको बेहद शर्म आ रही थी।
अनाया उसकी तरफ देखती है। वो लड़का इस वक्त बेहद प्यारा लग रहा था। उसको ऐसे देखकर अनाया को हंसी आ रही थी, पर बड़ी मुश्किल से वो अपनी हंसी कंट्रोल करती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, भूख लगी है। वो लड़का अपना सर झुलाए हुए ही अपना सर हां में हिलाता है, जिसे देखकर अनाया उसके बालों पर हाथ फेरकर उससे कहती है, ठीक है मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर रहो, मैं यू गई और यू आई। अनाया ने इतना ही कहा और वो अपने जगह से उठ ही रही थी कि वो लड़का जल्दी से उसका हाथ पकड़ कर उससे कहता है, आप कहाँ जा रही हो। अनाया उसकी तरफ देखकर कहती है, तुमको भूख लगी है ना, तो खाना लाने जा रही हूँ। जिस पर वो लड़का अपना सर हिलाकर उससे कहता है, हाँ भूख लगी है पर मैं भी साथ में आता हूँ, मुझे डर लग रहा है यह अकेले। अनाया भी उसका डर समझ रही थी। वो जिस माहौल में था उससे उसका डरना लाजमी था, इसलिए वे कहती है, ठीक है चलो। दोनों बेड से उतरकर डोर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अयान को देखकर वोला डर जाता है और अनाया का हाथ टाइट पकड़कर उसके पीछे छुप जाता है। अनाया उसको वैसे करते देखती है तो वो अपना सर ना में हिलाते हैं। वो अपने सामने कड़ी अयान की देखती है, जो कि उसके ही तरफ अपने आंखों में कई सवाल लिए देख रहा था, जिसे देखकर अनाया उसके बाद मैं सब बताऊंगी ये कहकर वो अपने पीछे छुपे हुए उस लड़के को आगे करके उससे कहती है, तुम डर क्या रहे है हो। जिस पर वो लड़का अनाया की तरफ एक नजर देखता है और अपने हाथ से इशारा करके अनाया से कहता है, ये इसे अचानक सामने आ गए इसलिए मैं डर गया था, ये कौन है। उसकी बात सुनकर अनाया समझ जाती कि ये लड़का अयान से डर रहा है। अनाया उसको समझते हुए कहती है, तुम आयु से डर रहे हो, उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, अगर कभी मैं किसी काम में बिजी होगी तो तुम इससे हेल्प ले लेना। जिस पर वो लड़का अपना सर हां में हिला देता है। वो समझ गया था कि ये लड़का जो भी कोई है वो अनाया के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, तो अगर ये उसकी एंजल के लिए इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। उस लड़के के लिए अनाया एक एंजल हो थी, जिसने उसको इस कैद से बाहर निकाला था और वो पहली ऐसी इंसान थी जो उससे इतने प्यार से बात कर रही थी, उसका ख्याल रख रही थी, बिल्कुल जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती थी। उस लड़के के लिए अब अनाया ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, उसकी सीवियर थी, वो उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। और अब तो उसको अपने माँ के बताए हुए नुशार अपनी फैमिली को भी ढूंढना था, वो खासकर उसके बड़ी बहन को, जो इस से लगभग 5 ही मिनट बड़ी थी, तभी तो वो अपनी मॉम को उस कैद से वापस ला पाएगा। अनाया ने अयान और उस लड़के में दोस्ती करा दी थी। अब तीनों ही किचन की तरफ चले गए थे। अनाया किचन में जाके फटाफट तीनों के लिए कुछ बनाने को ढूंढ रही थी, जो कि जल्दी हो जाए, बनाने में ज्यादा टाइम न लगे। अयान और वो लड़का वही किचन के सेल्फ पर बैठे थे। अयान उससे कहता है, ही मेरा नाम अयान है और तुम्हारा। उस पर वो लड़का अयान की तरफ देखकर अपने क्विट चेहरे के साथ उससे कहता है, ही मेरा नाम आयुष है। ऐसे ही दोनों बातें कर रहे थे और अनाया उन दोनों की बातें सुनते सुनते न्यूडल्स बना रही थी। कुछ ही समय बाद न्यूडल्स तैयार हो गए थे, जिसकी खुशबू पूरे किचन में फैल गई थी, जिसे देखकर अयान और आयुष की भूख और भी बढ़ गई थी। वो दोनों ही किचन के सेल्फ से उठकर अनाया की तरफ चले जगाए थे, जहां वो प्लेट में न्यूडल्स निकल रही थी। दोनों ही उन न्यूडल्स को अपनी ललचाई नजरों से देख रहे थे। अपने सामने टेस्टी न्यूडल्स देखकर दोनों के ही मुंह में अपनी आ गया था, जिसे देखकर अनाया मुस्कुरा देती है और उनको पलते उठने को कहती है। सब अपनी अपनी प्लेट लेके बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और अनाया ने बनाते हुए न्यूडल्स खाने लगते हैं। अयान और आयुष न्यूडल्स की एक बाइट खाते हैं तो उनको वो न्यूडल्स बेहद ही टेस्टी लगते हैं। अयान अनाया से कहता है, बेबी न्यूडल्स बेहद टेस्टी, मैं तुम्हारे हाथ में जादू है। जिस पर अनाया बस मुकरा देती है। आयुष भी उससे कहता है, एंजल दोस्त ने बिल्कुल ठीक कहा, न्यूडल्स बेहद टेस्टी बने हैं, मुझे और चाहिए। जिस पर अनाया उससे कहती है, हाँ बेहद सारे हैं, पहले तुम इसे तो फिनिश करो, फिर तुमको और मिलेंगे।
अनाया की बात सुनकर आयुष के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है और वो खुशी के साथ अपना डिनर करने लगता है। आज कई दिनों के बाद वो इतना अच्छा खाना खा रहा था, वो भी ताजा नहीं तो उसको जो भी खाना मिलता था वो सब बासी होता था और उसे तो कभी कभी 3 दिन तक खाना भी नहीं दिया जाता था। उसका आज तक पता नहीं था कि उन लोगों ने उसको क्या पकड़ लिया था और उसको क्या इतना टॉर्चर कर रहे थे। अनाया जब उसके चेहरे पर वो प्यारी सी हंसी देखती है और उसको इतना खुश देखकर वो भी खुश हो जाती है। उसके पास इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उससे उसके मन में एक शक था कि आयुष वो ही इंसान है जो वो सोच रही है, पर उसके लिए उसको पहले कंफर्म करना होगा, नहीं तो वो फिर से अपनी उम्मीद को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। तीनों ही खाना फिनिश कर रूम में सोने चले जाते हैं। अयान आयुष को अपने साथ अपने रूम में ले गया था। अब तक आयुष भी उससे काफी हद तक गुल मिल गया था तो वो खुशी खुशी उसके पास चला गया था। वही अनाया अपने रूम में आके उस रूम में बने सीक्रेट रूम में चली जाती है जिस रूम में बेहद अंधेरा था, पर उसके 2 बार क्लैप करते ही उस रूम में उजाला हो जाता है। अब बस रूम में क्या क्या है वो आसानी से देखा जा सकता है। वो एक हाईली एडवांस मॉडर्न कंप्यूटर लैब थी जिसमें दुनिया के नंबर 1 कंप्यूटर मौजूद थे और उसी रूम में एक दीवार पर एक बड़ी सी स्क्रीन में उस व्हाइट मैंशन और उसके आसपास ले 1000 किलोमीटर्स की सारी सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। उस रूम में करीब 5 कंप्यूटर थे जो कि बेहद ही एडवांस और हाईटेक सिक्योरिटी से बने थे। अनाया ने उनको खुद डिजाइन किया था और ये दुनिया में बस एक ही सिंगल पीस थे। अनाया एक कंप्यूटर के सामने जाके बैठ जाती है और उसमें मुंबई के सबसे बड़े सिटी हॉस्पिटल की 15 साल पुरानी हिस्ट्री निकलती है। उसने सिटी हॉस्पिटल के सेट कंप्यूटर हैक किया हुए थे। चांद 5 मिनट में उसके सामने सारी हिस्ट्री थी। उसमें से उसके लिए जो जरूरी था वो निकालकर वो पढ़ने लगी, पर उसमें उसको कुछ भी गलत नहीं लगा, पर फिर भी उसको उसमें कुछ ना कुछ गलत लग रहा था। क्या ये उसके समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ देर तक वैसे ही वहां शांति से अपनी आंखें बंद करके बैठती है। उसके बाद वो अपने पॉकेट में हाथ निकलती है तो उसके हाथ में किसी के छोटे छोटे बाल आते हैं। बियो उन बालों को एक पॉलिथिन बैग में डालती है और किसी को फोन करके कुछ कहती है और उसके फोन करने के ठीक 5 मिनट बाद कोई उसके कमरे की बालकनी में आ जाता है। अनाया सीक्रेट रूम से बाहर आकर अपनी बालकनी में जाके उस आदमी को वो पॉलीथिन बैग देकर कहती है, अगले 6 घंटे के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए, ध्यान से, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने चाहिए। वो आदमी उसकी बात पर अपना सर हिलाकर जी बॉस कहकर वहां से एक है कि जोके की तरह गायब हो जाता है। उसके वहां से जाने के बाद अनाया कुछ देर वही खड़ी होकर आसमान में फैले हुए अंधेरे को देखती है और उसमें चमक रहे स्टार को उनको देखकर उसके चेहरे पर हल्की से स्माइल आ जाती है और वो बालकनी का डोर बंद करके अपने रूम में आ जाती है और वहां से सीधा अपने सीक्रेट रूम में चली जाती है। सीक्रेट रूम में आकर इंडिया में इस वक्त क्या हो रहा है उस बारे में पता लगाती है। उसके सामने विक्रांत और जॉन की लाइव फुटेज चल रही थी। दोनों इस वक्त क्या कर रहे हैं, कैसे दोनों ही पागलों की तरह मित्तल फैमिली के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में एएम के बारे में भी। उनको ऐसे देखकर अनाया अपने चेहरे पर डेविल स्माइल करते हुए कहती है, कितनी भी कोशिश करनी है कर लो, जब तक मैं ना चाहूं तुम लोग कभी भी मेरी फैमिली या मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे और एएम तक पहुंचना तो तुम लोगों के बस की बात नहीं है। बस कुछ साल बाद फिर देखना तुम कैसे तुम सबको तुम्हारे कर्मों के फल मिलते हैं। मैं तुम सबको ऐसे गोल गोल घुमाऊंगी कि तुम सब बस देखते रहो। अनाया सीक्रेट रूम से बाहर आकर अपने बेड पर सो जाती है। अगली सुबह कुछ अलग थी। दूसरी तरफ रावी की फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया लैंड कर चुकी थी। वो वहां से सीधा हॉस्पिटल चली गई थी जहां पर उसके डैड का इलाज हो रहा था। वहां जाके वो जब अपने मॉम और भाई और बड़ी बहन को ऑपरेशन थिएटर के बाहर परेशानी में खड़े हुए देखती है तो वो वहां जाकर शिदा अपने भाई के गले लग जाती है। उसका भाई भी उसको देखकर प्यार से उसके गले लगाकर उसको शांत करने लगता है।
रावी अपने मॉम से ज्यादा अपने भाई के करीब थी। उसकी मॉम और उसकी बहन भी रावी के पास जाके उसके बालों में हाथ फिरते हैं। रावी अपने बही से कहती है, भाई डैड डैड ठीक तो हो जाएंगे ना, और उनको इससे अचानक क्या हुआ, उनका हार्ट अटैक कैसे आया? भाई रात को ही तो डैड ने मुझसे बातें की थी, फिर अचानक उनको हार्ट अटैक आना, ये कैसे हुआ? वो बेहद खुश नजर आ रहे थे, फिर अचानक ये सब। रावी का भाई वेदांत उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, पता नहीं गुड़िया ये सब कैसे हुआ, हम पता लगा रहे हैं। अभी डैड का ऑपरेशन चल रहा है, बस डैड जल्दी से ठीक हो जाए। वैसे भी एक लड़की ने अगर डैड को टाइम पर हॉस्पिटल में नहीं लेकर आई होती तो डैड को बचाना बेहद मुश्किल था। वो कह रहे थे अगर वो लड़की इनको टाइम पर नहीं लेकर आती तो शायद डैड अब हमारे बीच नहीं होते। वो लड़की किसी फरिश्ते की तरह है हमारे लिए। अपनी भाई की बात सुनकर रावी उससे कहती है, भाई कौन है लड़की, उसका नाम क्या है, आप मिले उससे? उसका भाई कहता है, नाम तो नहीं पता, शायद वो भी जल्दबाजी में थी, डैड को एडमिट करके ये से जल्दी निकल गई थी, पर उसने डॉक्टरों को डैड का इलाज करने को कहा था और उसके गार्ड भी यह पर ही थे, हमारे आने के बाद चले गए। उस गार्ड ने बस एक विजिटिंग कार्ड दिया है, बाकी कुछ भी उसके बारे में नहीं पता, पर विजिटिंग कार्ड से हम जल्द ही उसको ढूंढ कर उसका शुक्रिया अदा करेंगे। जिस पर रावी भी हाँ मैं सर हिलाती है। रावी अपनी मॉम और बहन से भी मिलती और वो चारों ही वही बैठकर डैड की सर्जरी पूरी होने का वेट करने लगते हैं। उन सबके चेहरे पर डर था, वो सब अपने हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि रावी के डैड यानी कि प्रशांत खन्ना की सर्जरी सक्सेसफुल हो। अगली सुबह सारी मित्तल फैमिली इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी। वो सब अनाया और अयान का आने का वेट कर रहे थे। तभी वहां पर अनाया और अयान आ जाते, उनके साथ में आयुष भी था। आयुष जो कि अनाया का हाथ पकड़ कर आ रहा था, वो जब अपने सामने इतने लोगों को देखता है जो कि सब उसको ही देख रहे थे तो वो डर कर अनाया के पीछे जाके छुप जाता है और अनाया के पीछे से अपना सर निकलकर उन सब की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगता है। इसे देखते समय वो बेहद ही क्यूट लग रहा था। सारी सिंघानिया फैमिली उसको ही अपनी टकटकी लगाए देख रही थी। अनाया जब आयुष को इसे डर कर खुद के पीछे छुपते देखती है तो वो एक बार अपनी फैमिली की तरफ देखती है जो कि सब अपनी स्वली नजरों से उसके तरफ ही देख रहे थे। वो जानना चाहते थे ही ये प्यारा लड़का कौन है। अनाया उन सबको अपने आंखों से ही शांत रहने को कह कर वो आयुष की तरफ देखती है। वो उसके सामने जाकर उसके गालों पर अपना हाथ तक कर कहती है, आयुष तुम उतने डर क्या रहे हो, चलो मैं तुमको सबसे मिलती हूँ, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात पर आयुष बस अपना सरहा में हिलाता है। अयान अपनी सेट पर जाकर बैठ गया था। अनाया उसके पास वाली सीट पर बैठती है और अपने पास वाली सीट पर आयुष को बैठाती है और उससे कहती है, आयुष ये सब मेरी फैमिली है और आज से तुम हमारे साथ ही रह रहे हो तो तुम्हारी भी फैमिली है। वो अपनी दादी और दादू की तरफ पॉइंट करके कहती है, वो मेरे दादा और दादी है, घर के सबसे बड़े, और फिर अपने डैड की तरफ इशारा कर कहती है, ये मेरे डैड है। ऐसे ही वो सबसे आयुष को मिलती है, सब बड़े ही प्यार से उससे मिलते हैं। फिर वो सबको आयुष के बारे में बताती है, सबको उसके बारे में जानकर बुरा लगता है। वही अनाया के डैड को आयुष को देखकर अपनेपन का एहसास हो रहा था, पर ऐसा क्या हो रहा है इस बारे में उनको कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। अनाया अपने डैड के चेहरे की तरफ गौर से देख रही थी। उसको देखकर वो समझ गई कि उसके डैड क्या सोच रहे हैं। आखिर उसकी भी वही कंडीशन थी जब उसने पहली बार आयुष को देखा था। आयुष थोड़े ही समय में सबसे एक तरह से घुल मिल गया था। सभी ब्रेकफास्ट करके लिविंग हॉल में आकर बैठ जाते हैं। अनाया के एक इशारा करते ही सारे सर्वेंट व्हाइट मेंशन से बाहर बने हुए अपने क्वार्टर में चले जाते हैं। सबके है ही अनाया अपनी फैमिली की तरफ देखकर कहती है, दादी और दादी, बड़ी मॉम, बड़े पापा और डैड, अब से आप लोग जहां भी जाओगे आपके साथ ही वक्त बोडिया गार्ड रहेंगे। आप बिना सिक्योरिटी के कहीं पर भी नहीं जाएंगे और यही बात आपको भी लागू होती है। लव भाई और खुश भाई डैड।
हमारी कंपनी की एक ब्रांच ये पर भी है जिसे आप हैंडल करेंगे, उससे ही आप इंडिया वाली और बाकी सारी हमारी कंपनी को कंट्रोल कर पाएंगे। दुनिया के लिए मित्तल ग्रुप को एएम ने खरीदा है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, तो आप इस बात के बारे में आचे से ध्यान रखें। और वैसे भी हमारे फैमिली के हर एक मेंबर की सारी इन्फॉर्मेशन और हर एक के फोटोज हाईली सिक्योर्ड किए गए हैं जिससे हमारे तरफ कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। भाई आप ये पर आपकी कंपनी के ब्रांच को हैंडल कर सकते हैं, नहीं तो डैड की मदद कर सकते हो। बड़े पापा आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो, ये पर हमारा खुद का हॉस्पिटल है जो कि एएम के अंदर आता है। और जब तक हम हमारे असली दुश्मन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, तब तक आप सब सबल कर रहिएगा। इंडिया में किसी को भी कॉन्टेक्ट मार करना। सब अनाया के बातों से सहमत हो गए थे। दादी दादू को अपनी पोती पर बेहद ही गर्व महसूस हो रहा था, जिसने इतनी छोटी उम्र में बेहद कुछ हासिल किया था। उसकी पहचान बेहद बड़ी थी जो उन सब से छुपी हुई थी, और वो इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी हो गई थी कि वो अपने परिवार प्रोटेक्ट कर रही थी। वहां बैठे हर एक को पता था अनाया की पहचान बेहद ही बड़ी है, जो अभी तक उनको पता नहीं है, पर उन सबको उस पर गर्व था। शाम के समय अनाया अपने रूम में बैठकर लैपटॉप पर कुछ कर रही थी और उसके पास ही आयुष बैठकर एक बुक पढ़ रहा था। तभी एक सर्वेंट आकर अनाया को एक पार्सल देकर चला जाता है। अनाया इस पार्सल को देखकर समझ जाती है कि इसमें क्या है। वो जल्दी से उस पार्सल को खाने लगती है। उसको ये याद ही नहीं था कि आयुष भी उसके पास ही बैठा था, और उसने जब मैं की अनाया को पार्सल देते हुए देख लिया था और उसकी नजर अनाया के हाथ के पार्सल की तरफ था। वो अनाया की जल्दबाजी देखकर समझ गया था उसमें कुछ तो ऐसा है जो कि उसके एंजल के लिए इम्पोर्टेंट है। अनाया उस पार्सल को खोलकर उसके अंदर की रिपोर्ट अपने हाथ में लेके पढ़ने लगती है, जैसे उसकी नजर लास्ट मैं चली जाती है जहां पर लिखा था कि 99% मैच। इसका मतलब यही था कि आयुष उसका भाई है, उसके मॉम ट्विंस को जन्म दिया था। अनाया के हाथ में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी जो कि पॉजिटिव थी। रिपोर्ट को पढ़कर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वही आयुष ने भी वो रिपोर्ट पढ़ ली थी, जिसे देखकर उसको ये तो पता चल गया था कि उसको बचाने वाली उसकी एंजल कोई नहीं, उसकी बड़ी बहन है, क्योंकि उससे सिर्फ 5 मिनट ही बड़ी है। उसकी आंखें नम हो गई थी। वो जब से अनाया के गले लगकर कहता है, एंजल क्या आपके हाथों में जो रिपीट थी उसमें जो लिखा ये वो सब सच है, क्या आप ही मेरी बहन हो। अनाया तो इसे अचानक किसी के गले गलने से शोक ही हो गई थी, जब उसको पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि आयुष ही है। और उसकी बातों से उसे ये भी पता चलाया था कि आयुष ने रिपोर्ट पढ़ ली है, उसको पता चल गया है कि वो उसकी बहन है, दोनों ही सगे भाई गई ट्विंस। वो आयुष को खुद से अलग करके उसके आंसू साफ करके उससे कहती है, हाँ तुम मेरे छोटे भाई हो, मुझे बस शक हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारी और डैड के डीएनए टेस्ट किया जो कि पॉजिटिव है, पर मुझे जहां तक पता है डैड का कलर भी फेयर है, मेरा भी, और मॉम भी बिल्कुल मेरी तरह ही थी, तो तुम्हारा कलर इतना डार्क क्या है, क्या इस रिपोर्ट में कुछ गलत है, क्या लगता है फिर से एक बार टेस्ट करनी पड़ेगी। आयुष को अनाया के बात से कंफर्म हो गया था कि वो ही उसकी बहन है और ये उसका परिवार है, पर वो जब अनाया की आगे की बातें सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अनाया को घूरता है और वहां से उठकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। अनाया जो उसके एक्सप्रेशन देखकर कब से अपनी हंसी दबाकर बैठी थी, आयुष के वहां से बाथरूम की तरफ जाते ही उसकी हंसी छूट जाती है, वो जोर जोर से हंसने लगती है। वही आयुष जो बाथरूम में जाके अपना चेहरा साफ कर रहा था, जबू के कानों में अपनी बहन की हंसी की आवाज आती है, तो वो समझ जाता है कि उसकी एंजल उसके साथ मजाक कर रही थी, क्योंकि वो ज्यादा ही इमोशनल हो गया था। उसका ध्यान भटकाने के लिए उसकी भी हंसी निकल जाती है। एक्चुअली आयुष का भी कलर फेयर ही था, पर वो बचपन से अपने आप को एक अजीब तरह के कलर लगाकर खुद का कलर छुपा देता था, जिससे विक्रांत या उसके किसी भी आदमी को उसके असली चेहरे ओकोला के बारे में न पता चले।
उन लोगों को इस बात के बारे में जरा सा भी खबर तक नहीं थी कि वो जिस लड़के को इतना टॉर्चर कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि उनके दुश्मन हर्षवर्धन मित्तल का बेटा है। अगर उन लोगों को इस बारे में पता लगता तो वो उसको ऐसे जगह पर नहीं रहते बल्कि उसको टाइट सिक्योरिटी के अंदर रखते। आयुष ने अपने चेहरे पर और अपने शरीर पर लगाए हुए उस काले रंग को साफ कर दिया था। उस कलर के निकलते ही उसकी स्किन काफी फेयर लग रही थी। उसका चेहरा और अनाया के चेहरे में बस कुछ ही डिफरेंस था। अनाया का चेहरा ज्यादातर अपनी मॉम की तरह था और आयुष का चेहरा मॉम और डैड दोनों का मिक्स था। आयुष ने भी अपना असली चेहरा सालों से नहीं देखा था। अब जब डार्क कलर पूरी तरह से निकलने के बाद उसको असली चेहरा बाहर आ गया था जिसे देखकर आयुष खुद ही शोक हो गया था। उसको खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वो ही है या नहीं। अब जब वो अपने चेहरे को अच्छे से देखता है तब उसको अपना चेहरा अनाया से मिलता हुआ दिखी देता है। ज्यादा हद तक हर्षवर्धन मित्तल यानी के उसके एंजल के डैड जो उसके भी डैड है उनके चेहरे से काफी मिलता जुलता था। बाहर अनाया जब देखती है आयुष काफी टाइम से बाथरूम में गया है अब तक बाहर ही नहीं आया है तो वो उसको आवाज देती है। आयुष मेरे छोटे भाई अब बाहर भी आ जा, क्या कर रहा है इतने देर से बाथरूम में, अब हम कर भी क्या सकते हैं। माना कि तुम्हारा कलर मेरे और मॉम डैड के जैसे नहीं है पर कोई बात नहीं, कलर में क्या रखा है, हमारा खून का रिश्ता है, अब बाहर भी आ जा। आयुष जो खुद के ही चेहरे को देखकर इतना खो गया था वो जब अपनी बहन की आवाज सुनता है उसके कहे गए शब्दों को सुनकर वो अच्छे से समझ जाता है किसकी बहन उसकी एंजल उसका फर्ज मजाक उड़ा रही है। तो वो अपने कपड़े चेंज करके बाथरूम का डोर खोलकर बाहर आता है। उसके हाथ में टॉवल था जिससे वो वन गीले बाल साफ कर रहा था और उसने इस वक्त एक बाथरूम पहना था जो कि शायद अनाया का था क्योंकि वो अभी अनाया के रूम में था। उसके कपड़े तो अयान के रूम में थे और खुद के ऊपर लगा हुआ डार्क कलर हटाने के चक्कर में वो पूरा बहाया हुआ था। उसके कपड़े ही वहां पर नहीं थे, उस बात का अंदाजा उसको बाद में हो गया था इसलिए वो वहीं पर रखा। अनाया का बाथरूम पहनकर बाहर आ गया था जो कि व्हाइट कलर का था। आयुष इस वक्त बेहद ही हैंडसम और क्यूट लग रहा था। एक हाथ में टॉवल पकड़कर अपने बाल साफ कर रहा था। अनाया का ध्यान जब बाथरूम के डोर के खुलने की आवाज से उस तरफ जाता है और वो जब आयुष को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।